जी मेरा ना ये दरअसल रीडिंग है, मेरा कॉन्टेक्ट लगा लूँ ना। हाँ जी जी सर, जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी सर, आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह स्टूडेंट आ गए हैं जी सर, आपके स्टूडेंट्स आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हैं ये व्यूवर्स और मेरे स्टूडेंट। सर एक ही बात है। थैंक यू। नहीं, वो यकीनन आपके व्यूवर हैं और मेरे अच्छा मेरे चहेते स्टूडेंट हैं, मेरे अच्छा लाडले स्टूडेंट। सही है सर। ठीक है, थैंक यू, जजाकल्ला आप सबका। आप मेरी एक कॉल पे आ जाते हैं। अच्छा सर, अब आप मुझे सुना नहीं, रहे हैं। ये नहीं, सही है नहीं, नहीं। सर। ओके और आप ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह चले सर। जी। एनी क्वेश्चन? क्या चश्मा साफ कर लूँ? हाँ, नहीं सर, क्या करूँ? अच्छा, कुछ भी नहीं सर। अब देख रहे हैं मेरी आंखों में कुछ नमी सी है। जी जनाब, जी सर, कैसे हो क्योंकि आप? अभी आपने ठीक है? मुंह धोया ना, इसीलिए आंखों में नमी सी है। हाँ जी, आंखों में नमी सी है और बाल भी इन्होंने बनाने का टाइम नहीं दिया। और वैसे भी आपको सर पता है कल कि परसों से आपको हमारे टाइम दिया हुआ और आप कह रहे हैं बाल बनाने का टाइम नहीं दिया। इतने दिन आपको पहले अपॉइंट किया आपको सर। अपॉइंट किया मैंने पहले के तो लिए। सर मैं एक ही बात है। थोड़ी सी ना एक लगा लूँ दीवार के साथ, हाँ ये सर, थक जाते बुजुर्गी में फिर हैं। ये भी चलता है। जी सर अच्छा बिल्कुल, जी, सब चलता है बुजुर्गी और में। सब ठीक है? जी अब सर। सवाल जल्दी से आप बता दीजिए मुझे। सर स्टूडेंट्स बताएंगे सवाल। तो अभी कोई सवाल नहीं है नहीं अभी कोई सवाल और शुक्रिया जी, जवाब वो नहीं सिर्फ है। इतनी देर देखने के लिए आए हैं। ये चलिए, यूट्यूब की तरफ से एक सवाल ले आया है, कॉम्प्लीमेंट आया है। रिमेंबर द प्राइवेसी कम्युनिटी गाइडलाइन। व्हाट इज द प्राइवेसी नहीं कम्युनिटी? नहीं दे जस्ट वांट टू क्लियर दिस थिंग कि आप लोगों ने कुछ वायलेट नहीं करना। जी नहीं करते, वही ना करें। अस्सलाम वालेकुम सर एंड राबिया फ्रॉम रबिया फातमा। वालेकुम अस्सलाम रबिया वालेकुम फातमा। सलाम रवि, क्या हाल है आपका? गुड। गुलशन अच्छा, अजीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम गुलशन गुलशन, कैसी हो अजीम। बेटी आप? ठीक हैं? और आपको पता है ये हमारी रबिया भी मेरा ख्याल है हमारी स्टूडेंट है, जी और सर। गुलशन तो डेफिनेटली हमारी बड़ी स्टूडेंट है, और बड़ी से बुला रही है कि सब बच्चियाँ हमारी स्टूडेंट है, और बिल्कुल सर। यूएस से हमें माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया होगा जी इंशाल्लाह, सर होपफुली। एक्चुअली वहाँ पे इंशाल्लाह। संडे है नजमा परवीन, तो। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर। नजमा, नजमा सलाम कह रही है। सलाम नजमा बेट, बहुत शुक्रिया आपका। और यूएस में चूंकि आज संडे है तो होता ये है कि नॉर्मली वहाँ पे हॉलीडे होती है ना। सानोज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सानोज। सलाम, कैसी हो बेटा आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम दिलशाद। थैंक यू दिलशा, थैंक यू बेटा। अच्छा, तो जी कोई सर। एनी क्वेश्चन? सर और जैसे जैसे आते रहेंगे, अभी सलाम आएंगे फॉर फर्स्ट 5 to 10 minutes। अच्छा, हसन आलम एंड मेरा मुगल ख्याल है कि जी। इसमें स्टूडेंट्स ने मुझे देखना नहीं है, वो देखा उन्होंने मुझे पहली दफ़ा नहीं है, बहुत दफ़ा देखा है। जी। बेस्ट ये है कि इनके लिए हम कुछ करें जी सर। ठीक है, जी ताकि जी हमारा ये जो सर, सेशन है दो ना चार मिनट तो सलाम दुआ है ये ना, सब बोरिंग ना आते ही हो, तो सब नहीं कहेंगे ना कि बोरिंग सर ना ये हो। बताएं ये बताएं। डेफिनेटली नहीं, सब आई आप मीन के ये लाइक मैं अपनी बगिया मार रहा हूँ ना, तो वो बोरिंग ना हो। सर, इसी के लिए तो मैं आपको यहाँ पे लाती हूँ। चलो अच्छा जी, ठीक है। आफ़गीन फैसल, मुगल जी, हसन आलम, हसना, अब्दुल राफी और इसके अलावा इरम शमसी। अल्हम्दुलिल्लाह सबको वालेकुम अस्सलाम। हसन आलम कह रहे हैं सर आई एम योर बिग फैन। थैंक थैंक यू यू हसन, थैंक यू। मेरा भी कोई फैन ये हो। हसन आलम से पूछे फैन। कि ये छत वाला है, ब्रैकेट है या पेडस्टल है? हसन सो सही मच है। बेटा, थैंक यू सो मच। हाउ टू स्टार्ट पेंटिंग। मुझे आप सब ने जो जो वो क्या कहते हैं, मोहब्बत, अकीदत, जज्बात, एहसास, और बड़ा जो आपने मुझे ऑनर दिया ना, इसके लिए मैं वैसे शायद वल्लाहु आलम मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर है कि ये मेरे लिए बड़ा एक, यानी मैं इसको हिस्टोरिक मोमेंट्स कहता हूँ, जब आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और वैसे भी मुझसे आप मिलना भी चाह रहे होते हैं। बाय द वे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मिलने की समस्या है ना, कि इसका मुझे आप समाधान हो इसका जाएगा। इंशाल्लाह तला बल्कि हो गया समाधान,
समाधान बोलते हैं जी सर, समाधान। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो दिसंबर 5th है उस वक्त से इंशाल्लाह अपने नए मेरा जो होम है उसमें शिफ्ट हो रहा हूँ। तो फिर जो मेरे पास तशरीफ लाना चाहेंगी उनसे ज़रूर मुलाकात होगी, ना सिर्फ मुलाकात होगी बल्कि थोड़ा बहुत जो आर्ट का सिलसिला है वो भी उनसे गाइडलाइन पे चल रहा है इंशाल्लाह सर। एक तो आप थोड़ा सा आगे आ जाए और दूसरा आप आगे कर ले, बाबा जी को तो पीछे करें। ओ यस, मैं भूल गई थी कि इसके पास भी टांगे हाँ सही है सर। अच्छा जी सर, हसना और मुगल जी कह रहे हैं कि हम आपके फैन हैं। थैंक यू सो मच। जी जी सर, जी सर, जी सर, सर हसन आलम आपको कह रहे हैं, आपका भी शुक्रिया जी। इरम शमसी को आर्ट का माशाल्लाह बहुत पता है, डेफिनेटली हमारे जो भी ओवरसीज स्टूडेंट है ना उन्होंने तो बनवाया खुद को ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जो माशाल्लाह जिनमें अमेरिका से भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स और इरम बजाते खुद बहुत अच्छा काम कर रही है जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी फॉर हर नेम, नहीं सर मेंशनड एक्चुअली उनकी प्रोफाइल पे मेंशनड है, इनफैक्ट कुछ का नेम मेंशन नहीं था और मुझे क्योंकि आइडेंटिटी का भी नहीं पता तो वो खुद भी अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं। जैसे सानोज थी पहले, अब उन्होंने बताया कि शी इज स्नोबर एंड वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की स्टूडेंट भी हैं। जजाकल्ला खैर, बहुत शुक्रिया। मैं बस बिल्कुल वैसे ही यू नो तकल्लुफन कह रही थी कि मेरा भी कोई फ़ैन होना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको जजा दे, बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआओं का। अल्लाह ताला आप सबको जजा दे। मनहा बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला ये सब दुआएं आपके हक में भी कबूल करें, बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी सर, जिनकी जब तबीयत ठीक नहीं ना होती तो वो एनर्जेटिक ही होते हैं, लेकिन जब भी सर को कोई प्रॉब्लम होती है ना तो तब सर की नहीं होती तो एनर्जेटिक होते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फिर अरे नहीं 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 सॉरी नहीं सॉरी नहीं 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 नहीं, जब सर की तबीयत ठीक होती है तो वो एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम होती है ना तो तब हल्का सा सर यू नो थोड़ा सा डाउन फील करते हैं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी ये अपस एंड डाउन इस उम्र में तो चलता रहता है। तो अच्छा जल्दी से आप बताइए वह भी हम दी। अच्छा जी ठीक है इंशाल्लाह सर, पहली रिक्वेस्ट आ गई है फ्रॉम इरम शमसी एंड शी इज सेइंग के मॉडर्न कैलीग्राफी में वह भी हम दी ही लिख के दिखाना है आपने। हम चौक से लिख के दिखाते हैं, आप वो पकड़े जरा वाइट कैनवस जी सर, जी और सर हम इनको जो है जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायज़ा अल्लाह का शुक्र हम ठीक हैं। आप सब कैसे हैं? आप सब भी अपनी खैरियत साथ साथ बताते जाएं, मैं तब तक सर को उनका रिक्वायर्ड मटेरियल पास कर दूं। और कुछ सीखने को मिल रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी यही कोशिश थी कि सवाल एकदम बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि आप सबको पता होगा कि सर के जो सोशल पेजेस हैं वो काफ़ी वायरल हुए हैं, तो इसी लिहाज से हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी न्यू स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर प्लेटफॉर्म पर 2-3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे 30K+ की फैमिली हो गई है हर ईच प्लेटफॉर्म पे, तो डेफिनेटली उसमें 50K अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। तो वो सब हमारे उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो न्यू हैं क्योंकि मुझे उनके सवालों से आइडिया होता है, तो मेरी ये कोशिश थी कि ये ऐसा एक सेशन हो जिसमें स्टूडेंट्स अपने वो सवाल पूछ सकें जिनका जवाब प्रैक्टिकली देना ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्स मैं करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ मैसेजेस में ही रिस्पॉन्स कर दूँ। अच्छा सबसे पहले तो ये सवाल पूछ ले आप, कॉलिनरी एंड मेरे बहुत ज्यादा हेयर फॉलिंग है ये देखिए, तो सर आप कोई रेमेडी पूछना चाह रहे हैं? ना मुझे बहुत ज्यादा इनका बड़ा दुख है, मैं इनको बड़ी मोहब्बत से पाल रहा हूँ, कभी खुला छोड़ देता हूँ कभी इनको कंघा कर देता हूँ कभी इनको ना, तो बड़ा हेयर फॉलिंग है, मैं बस यूं करूंगा तो ये देखिए अभी भी आ गए ना, तो मुझे लगता है जिस तरह ये गिर रहे हैं करीब आपको अजीब और गरीब किस्म का इंसान। तो मैं कहता हूँ बिफोर दैट मैं इसको संभाल लूं, पता चले कि फिर मुझे नहीं सर ये हेयर फॉल का सीजन है, ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा आई गेस, ये हेयर फॉल का सीजन है और सबके साथ चलता रहता है, यू शुड यूज एलोवेरा, इट्स टू मच, इट्स टू मच, मैं देख रहा हूं मेरे आगे ही फॉल होगा ना ये लोग ज्यादा। अच्छा जी स्टूडेंट्स आप में से मदीहा हेयर सर को बोले रोजमेरी ऑयल यूज करें, ओके जी फर्स्ट सजेशन है, रोजमेरी जो है किस कंपनी का है, ये रोजमेरी का कंपनी होती है? नहीं सर रोजमेरी इज अ फ्लावर एंड उसका ऑयल आप
आप यूज करें। आई थिंक यू शुड यूज सम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल और एलोवेरा एंड ऑनियन, बहुत अच्छा रहता है इस काम के लिए। हाँ, उसके स्मेल नहीं जाता, लेकिन सर फिर भी मैं तो इस वजह से ना मैं डर रहा हूँ कि यार फिर जब मुझे असल देखेंगे ना स्टूडेंट तो वो असल से मुराद ये है कि आप जरा वैसे भाई ना थोड़ा सा जस्ट इमेजिन करें कि अगर मेरे बाल ना हो सर यू विल लुक लाइक बहुत शरीफ नहीं बट यू जल्दी लुक्स लाइक डॉले शादा चुआ ओ माय गॉड बट आई स्ट्रेट फॉरवर्ड आई लाइक डॉले नहीं सर सर शुमाइला कह रही है, शुमाइला इफ्तिखार है, वो कह रही है आपको बताया था एक ऑयल का। और शुमाइला काइंडली मुझे बता दे क्योंकि सर तो भूल जाते हैं। अंडा का पार्सल सुबह जाना भी है जी सर, अंडा दही नमक और हल्दी समवन इज सेइंग के ये यूज करें। वैसे जख्मों पे लगाया फन एंड मोर सर के बालों में एलर्जी है लाइक सर को क्योंकि स्टमक प्रॉब्लम है ना सर। अभी चौक बोला है चार फोल होला है आप सर ये रिकॉर्ड हुआ है, ये रिकॉर्ड हुआ है, यू मस्ट चेक, यू विल हैव अ बेट ऑन इट, देख लीजिएगा। नहीं बेट तो नहीं, मैं वो देता स्टल देता स्टल ताकि वो सही तरह समझ जाए। हां बोला आपने पेस्टल और इससे पहले चार कोन, लेकिन उससे पहले चौक। बड़ी 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 बड़ा लगी तो ये है कि बस वो इंशाल्लाह ना जी सर कोशिश। आप सब मुझे अपनी रेमेडीज नोट करा दें, मैं ज़रूर इंशाल्लाह सर तक कन्वे करूँगी। प्राइवेट चैट में इफेक्ट लगा के भेजी हूँ। नहीं प्लीज सर नहीं, अब्दुल राफी है ना वो आपके कैलीग्राफर जो इस्लामाबाद से, वो कह रहे हैं सर अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको ना इफेक्ट लगा के भेजूँ, आप बगैर बालों के कैसे लगेंगे प्राइवेट चैट में। यार तो लाते यार ये तो ज्यादा अब ऐसे तो ना नहीं भाई एमएस साहब तो यू मैं तो खैर मुझे पता है तुम मेरे बाल उड़ा दोगे, कोरल पे काम करोगे तो हरन ठीक। और सर इरम जी कह रही हैं कि 10 या 15 पत्ते कड़ी पत्ता जो होता है ना वो खाया करें, अदरक का जूस लगाएं वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। ओके अदरक का जूस ये और कड़ी पत्ता ये सारे आप नोट करें, आहिस्ता आहिस्ता करें ताकि वो फिर अच्छा। ये जो गार्लिक होता है उसको भी सुनो, उसकी पेस्ट बना के ना आप इनकी वो व्हाट एवर स्मेल देखो। एक बात वो पता है क्या है, ये इसकी जो है ना वो गार्लिक और एग, गार्लिक इंसान के सर से लेके तो उसके थंब तक पाओ जी इतना मुफीद है, इंटरनल एंड आल्सो फॉर एक्सटर्नल। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो है ना अदरक और कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते की बात हो रही है जी जी सर। नहीं वो कह रही है कड़ी पत्ता आपने खाना है 10-15 पत्ते, आई डोंट नो मैं काइंडली इरम से कहिएगा इरम बेटी आप मुझे ना वो टेक्स्ट कर दीजिए जी सर। अच्छा और सर अब्दुल राफी ने ये भी बोला है सर गुस्ताखी माफ, सर जी कह रहे हैं सर जी सारे हकीम हाजिर हो जाएंगे बल्कि हो गए जे। हिकमत का ताल्लुक नहीं है, ये बच्चियों से मैं अपनी बेटियों से इसलिए पूछ रहा हूँ, उनका बड़ा इसमें तजुर्बा होगा। अच्छा स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर गंजे भी बहुत अच्छे लगेंगे मनहा कह रही है कि मैं सर को एक ऑयल गिफ्ट करूंगी। थैंक यू हना मनहा बेटी, आई एम वेटिंग, पता है कि जो ऐसी चीज़ है ना उसका मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा जो मेरे लिए कुछ फिजिकली या मुझे इंटरनली कोई फ़ायदा दे ना वो मैं ज़रूर। जैसे कि अजवा खजूर बहुत ज़्यादा, जैसे स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जो मिडल ईस्ट से ना उन्हें मैं कह देता हूँ कि मुझे अजवा खजूर जो है ना वो भेज दिया था, बहुत से स्टूडेंट्स भेजते भी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब जब से मैंने कहा है मेरे पास ये स्टॉक है नहीं होता। तो जज़ाकअल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कहा भी बल्कि भेजते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी कोई सवाल है या शुरू करें फिर हम सेशन।
जी मनहा कह रही है आई गेस वो उन्होंने कोई पहले से मंगाई हुई थी चीज़ या किसी से बोली हुई थी, वो कह रही है आ गया है उनके पास तो वो अब आपको भेज देंगी। थैंक यू। नहीं अब्दुर्राफे इट्स ओके, यहाँ सर खुद भी मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी इस तरह के गुफ्तगू का आगाज आपने किया है, सर इज टेकिंग एज अ जोक। अब्दुर्राफे आप माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहे हैं ना जी सर, छोटा सा बच्चा है 12-13 साल का। हाँ जी एरम जी कह रही हैं कि जो आप गार्लिक लगाने का बोल रहे थे ना, ये आपको डेफिनेटली टिप सोशल मीडिया से मिली होगी, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तो कुछ भी बोलेंगे, वो कह रही हैं स्किन जल जाएगी उससे आपकी। अच्छा। हाँ जी वो ये बहुत सेंसिटिव होती है सर, तो बड़ी नरम सी, वो कह रही हैं जल जाएगी इससे, तो बिल्कुल सर ये बड़ा वो खतरा जान होता है सर। जी 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 मैं कोई आज से 7 महीने पहले ना 8 महीने पहले जनवरी फरवरी में ना सवाबी गया हूँ। सवाबी से कोई 100 किलोमीटर आगे एक हकीम है जी जी, उनकी 105 साल है जी जी सर, और उनके बारे में ये है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितने सेहतमंद हैं जी सर। तो मैं एक्चुअली अपने नेफ्यू को लेके गया था जिनकी डेथ हो गई है किडनीज के बारे में, मुझे किसी ने बताया था कि वो बड़े उनके पास बड़ी अफादियत है उनकी जी सर। तो खैर मैं बताता हूँ, वो 105 साल उनकी एज है, उनके पास बड़ी खलकत थी, लाइक हर रिलीजियस के, वहाँ सिख कम्युनिटी से भी थे, हिंदू कम्युनिटी से भी थे, और मुस्लिम कम्युनिटी से, पठान भी, पंजाब, हर हर जिन जिन लोगों की पहुँच थी या उन्हें पता था वो लोग थे। और वो हकीम बजाते खुद हिंदुज़म से ताल्लुक़ था उनका, और मैं जब उनके पास गया हूँ मैं बैठा हुआ, मैं तकरीबन 4 घंटे बाद हमारी जो है ना हमें पता चला है, बहुत उनका एक पूरा घर थे दो, तो वो भरे हुए थे ना पेशेंट्स के साथ, संडे का दिन था शायद जी सर। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो मुझे नहीं पता, मैंने फर्स्ट टाइम देखना था, तो कोई 4 घंटे के बाद मैं बैठा हुआ था तो पता चला जी कि हकीम साहब को तो आगे बैठे हुए। अब आई वॉज जस्ट इमेजिन कि 105 साल की एज का बाबा होगा और वो आपके जैसे, मुझसे तकरीबन डबल ही समझ, डबल से थोड़ा कम। तो जब मुझे किसी ने कहा ये हकीम साहब है आप, ये तो पहले मुझे किसी ने बताया था कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि उनकी एज 105 है और सेहतमंद। और जब मैं गया तो मैं देखा तो मुझे तो बड़ा शॉकिंग हुआ कि इतना मोटा उनका हाथ था, ऐसे मैंने सलाम लिया जी सर और हाथ शेक हैंड किया जी सर। तो वो जनाब मुझे बिठा लिया, मैंने बताया इस तरह मेरा ये नेफ्यू को पहले चेकअप करवाया, फिर मैंने अपना बताया कि मैं बेटे का लंग्स का पेशेंट। मुझे उन्होंने जो दो बातें गई ना वो बहुत अच्छी गई, कि चूँकि हिकमत जस्ट उन्होंने मेरी फर्स्ट यहाँ से, वो हिकमत में यही असूल होता है कि वो सिर्फ नबस पकड़ते हैं और कुछ नहीं करते। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी तुम ना पहाड़ों में चले जाओ, सवाबी पहाड़ी था, कहते इन पहाड़ों में चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है। मैंने बताया मैं लाहौर से हूँ और मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है जी सर, कहते अच्छा फिर ना दूध पिया करो, भैंसे हैं जी सर, मैंने कभी भी मेरे पास भैंसे भी नहीं है, तो मैं बस शहरी इलाके में रहता हूँ जी सर, अलाउ नहीं है भैंस रखना भी, और वैसे भी मेरा कोई इसमें ऐसा कोई इसकी बड़ी एक स्पेशलिटी होती है, बिल्कुल तजर्बा होता है, माशाल्लाह जो गुज्जर बरादरी है वो एक बड़ा टफ जॉब करने के बाद हमें दूध सप्लाई करते हैं डेफिनेटली। तो बस वो फिर वहाँ से मैं आ गया, उन्होंने मुझे वो कुछ कुछ अर्कियात दिए, कुछ माजूदे दी, अब बिलीव करें मैंने खोल के भी नहीं देखी, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि बिकॉज आई एम वेरी कॉन्शियस मैन, आई डूइंग टेकिंग हकीमी मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन जी सर, होम्योपैथिक में ले लेता हूँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा जी वापी हम भी ही बोला जी सर, कुछ कुछ और भी रिक्वेस्ट आई हैं स्टूडेंट्स, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने और भी बोला है तो काइंडली आप अपनी रिक्वेस्ट रिपीट करते जाएं, सर आपको बता देते हैं पहले जो भी आप सब लिखवाना चाह रहे हैं। सबसे पहले इरम शमसी ने बोला है कि वबी हमदी ही लिखें मॉडर्न कैलीग्राफी में, तो सर आपको लिख के दिखा देते हैं, सर आपने बोलना थोड़ा लाउड है प्लीज़, दो तीन जो है ना जी सर तरीके हैं जी सर प्लीज़, एक तो ये है कि इसको आपने बड़ा मुंजमित रखना है बिल्कुल,
हाँ जी याहिया सर, इसके बाद जो कुछ रिक्वेस्ट्स हैं इनके बाद अपनी पेंडिंग पेंटिंग को ही स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह। ये सेशन इसीलिए है कि जी हाँ सर, मोहसिन भाई के बात बारे में बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। ये सर ने वबी हमदी ही लिख दिया है। स्टूडेंट्स, आप में से कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी वो मैं मिस कर गई हूँ कमेंट रीड करते हुए, तो आप बता। नजमा पूछ रही है, पेंटिंग को स्मॉल सिटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बगैर कैसे सेल करें? किस टाइप की इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रही हैं? किस चीज़ पे आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है? अ पार्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल के अलावा किस चीज़ में आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है? अस्सलाम वालेकुम सर एंड राबी, प्लीज़ बैकग्राउंड में मॉडर्न हरूफ तहजी लिख कर दिखा दें। जी ठीक है समरा। इसके बाद है नुज़त आसिफ, अस्सलाम वालेकुम सर, कुन फाया कुन लिख के दिखा दें। नुज़त किसी भी फॉन्ट में या किसी स्पेशल फॉन्ट में? ये इरम बेटी, ये अगर आप मॉडर्न को कंटिन्यू करते हैं ना जी तो फिर आप ये दुआ है और ये ऐसा गैप जो है ये कोई अहमियत नहीं रखता इसमें जी सर। वाओ बा सर आप लाउड बोल, और ये फिर दोबारा एक चश्मी हा जी सर, ठीक है, हा मरबूता वा भी हम दी ही जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट कुछ और भी है सर? कुन फाया कुन, अच्छा ये जो है ना, आप मुझे एक डस्टर दे दे, एक तो ये होगा कि ये फिर वो सर फॉर्म डस्टर या फोम या कुछ भी दे दे, एक तो ये फिर आयात में ना वो एक दूसरे से पड़ी जाना जो है ना वो भी नहीं सही है। और दूसरा ये है कि इरम बेटी, आप मुझे अगर, मैं देख लूँगा कि अगर आपको कोई और स्टाइल भी चाहिए होगा तो आप तो हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट भी हैं तो मैं फिर और भी आपसे, क्योंकि यहाँ पे शायद टाइम का इशू हो तो आप अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले लीजिए, तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको और स्टाइल भी मॉडर्न के जो है जी सर शेयर करता हूँ। सर एक स्टूडेंट ने बोला है, नजमा ने बोला है कि आप हर संडे को लाइव आया करें, फिर मेरे चैनल का ये बता दें कि मेरे चैनल इंशाल्लाह एक संडे आपके चैनल पे रख ले करें और एक नहीं सर मेरा बस बस आई कैन टेक इट एनीमोर बस आई एम डन जी सर। अच्छा सर, हसन आलम हैं वो बोल रहे हैं कि सर मैं पेंटिंग को अपना कैरियर बनाना चाहता हूं लेकिन फैमिली कहती है कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, सर प्लीज गाइड कर दें। जहां तक स्कोप की बात है ना, ये मुझे बड़ी इसमें ना क्या होता है, क्या सर दुख होता है जब आप स्टूडेंट्स की किसी की भी कोई सेंटीमेंट के लिए करते हैं ना कि इसमें स्कोप नहीं है जी सर, लाइक ये बड़ा, अब स्कोप है तो बैठे हुए आप देख ले बड़े बड़े रिनाउंड आर्टिस्ट जो है जो फेमस है कर रहे हैं काम, और सोशल मीडिया पे बहुत छोटे बच्चे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर 20 साल का बच्चा है ना जी सर तो वो ग्रेजुएशन करने के बाद या पता नहीं आजकल की कंप्यूटर की डिग्रियों के बाद सॉफ्टवेयर करने के बाद भी बेचारा डिग्रियां हाथों में पकड़ी हुई होती हैं और वो बेचारा जॉब के लिए जा रहा होता है। बिल्कुल सर, ज़्यादातर अपना जॉब कोशिश करें, फ्री डांसिंग हो या आपका कोई ऐसा जो आपका ऑनलाइन बिजनेस हो, वट एवर वो, यूट्यूब से हो या किसी भी ऐसे सोशल मीडिया से हो, तो दैट शुड हैव बीन वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड इन फ्यूचर लाइफ आप उसे और ज़्यादा ग्रेजुअली ग्रो करते हैं। तो ये जो डिग्रियां हैं ना ये अच्छी बात है, पढ़े, पढ़ाई लाजिम रखे, मगर पढ़ाई के साथ कस्बे कमाल खुद के अजीज़े जहां शवी, आपके पास जो है ना ऐसा कसब का मतलब होता है आपके पास कोई हुनर हो, ऐसा हुनर हो तुम्हारे पास कस्बे कमाल खुद के अजीज़े जहां शवी, कोई ऐसा काम करो कि ज़माना मिसाल दे, कि ज़माना तुम्हारी तो ये मैं इसलिए चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, आप अगर लाइक एक बच्चा स्टूडेंट बैंक में भी है ना जॉब करता है जी सर, वो पार्ट टाइम में आके, मेरे स्टूडेंट नेवी से हैं, मेरे स्टूडेंट आर्मी से हैं, मेरे स्टूडेंट एयरफोर्स से हैं, मेरे स्टूडेंट रेंजर से हैं, मेरे स्टूडेंट 112 से हैं, मेरे स्टूडेंट पुलिस से हैं, मेरे स्टूडेंट ट्रैफिक पुलिस से हैं, मेरे स्टूडेंट डॉक्टर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स इंजीनियर हैं, मेरे स्टूडेंट्स जनरल बिजनेसमैन हैं, इंडिया के बहुत बड़े ब्रिज डिज़ाइनर हैं, बहुत बड़े जो जिन्होंने मिडल ईस्ट में बहुत ब्रिज डिजाइनिंग की है, वो ब्रिज इंजीनियर हैं दरअसल वो, और इंडिया में उन्होंने बहुत सारी मेट्रोस पे काम किया, उनके ब्रिज इंजीनियरिंग की है और उनकी डिजाइनिंग की है जी सर, वो मेरे स्टूडेंट हैं और वो इटली तक तुर्की तक गए हुए हैं,
तो ये कुछ नहीं होता, ये आपकी हॉबी भी होती है और जब आप सीख रहे होते हैं तो वो आपका शौक होता है, जब आप कर रहे होते हैं ना तो वो आपका प्रोफेशन होता है। और एक बात आप और भी याद रखिए कि आपका आर्ट या आपका शौक जब आपका प्रोफेशन बनता है तो आपकी उसमें डबल अटेंशन हो जाती है, एक आपको अर्निंग हो रही होती है, दूसरा आपका शौक पूरा हो जाता है। ईमान से मैं आपको बताऊं, ये मेरा दिल का काम है, यानी अगर मैं आर्टिस्ट ना होता, ये अल्लाह ताला ने मुझे पैदा ही आर्टिस्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी मेरे में बचपन में सारी ऐसी खराफातें मौजूद थी जो एक आर्टिस्ट में होनी चाहिए। आज भी मैं इन हालात में हूँ, इन हाथों में हूँ, या गंदे या कपड़े या जो, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं है। और अल्लाह ताला का बड़ा ही फजल व करम है कि मुझे अल्लाह ताला ने किसी मोहताजी से बचाया हुआ है। 57 साल की उम्र में अगर मेरे हाथों में शेवरिंग नहीं है ना ड्यूरिंग द राइटिंग, तो ये सिर्फ इस बाबरकत, इसमें मुबारक की वजह से है कि जो कलाम मैं लिखता हूँ, मैंने 57 साल में इतने पेट निकले हुए लोगों के देखे हैं बेचारों के। प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आप जब अल्लाह के कलाम से निकलते हैं, ठीक है, पेट निकलना बुरी बात नहीं है, लेकिन लेकिन ये होता है कि जब आप अल्लाह के काम पे लग जाते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला आपके काम पे लग जाते हैं। बिल्कुल ये ब्लेसिंग होती है अल्लाह की, जब आप किसी भी कोई ऐसा उधर खत्तात और कुरान का हाफिज, ये अल्लाह ताला के बड़े सिलेक्टेड चुने हुए बंदे लोग होते हैं, होते हैं, चुने हुए बेशक लोग सर, होते हैं। बेशक, ठीक कोई है, शक नहीं। तो आप बिल्कुल करें, अपना एजुकेशन भी साथ जारी रखें और साथ में जो है जी ना सर, वो भी करें। अच्छा जी, कुन फाया कुन, फायाकुन जी सर, इसके अलावा आपके एक स्टूडेंट हैं, वो लास्ट वीडियो में भी थे, लाइव सेशन में वो बता रहे थे कि वो अपनी जॉब्स पे हैं इस वक्त और वो आपको वॉच कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री से हैं वो, ये हाँ डिफेंस बिल्कुल बिल्कुल, वो फोर्स मेरे हैं, स्टूडेंट हैं, उनका और वो कह नाम, रहे हैं कि मैंने सर से को कॉल की थी किसी क्लासेस के सिलसिले के लिए, तो वो कह रहे थे कि प्लीज़ सर तक मेरा मैसेज कन्वे कर दें कि वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। समन अहमद कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं सुल्ला स्टाइल सीखना चाहती हूँ, आप कोई न्यू स्टार कोर्स स्टार्ट करेंगे? ओ फाया कौन आ रहा है ना, जी सर, आप इसको वाओ में लेकर जाएंगे सर? ये गुड, नहीं, यहाँ से बच्चों को सिखाना है तो सही सिखाए सही ना, सिखाएं, बिल्कुल। ताकि आप वो बच्चे तो फिर आपको कॉपी करेंगे ना। तो अच्छा जी, अच्छा जी जी बिल्कुल समन सर, अपने डिफरेंट कोर्सेज स्टार्ट करते रहते हैं, अभी दिसंबर में सर का कुफिक का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सोल्स का जब भी स्टार्ट होगा सर अपने सोशल कोफिक मैंने मीडिया, एक कोर्स आपकी राबी में, बहुत माफी चाहता हूँ, जब तक मेरी रूह की जो है ना ताजगी के लिए मुझे एडवांस कोफिक नहीं मिलता ना, मुझे मज़ा नहीं आएगा, मुझे बहुत एडवांस कोफिक करनी है। और सिर्फ पेंटिंग का 2 2 मंथ का कोर्स करना है, उसके लिए मेरे बहुत से स्टूडेंट वेटिंग में है, इंक्लूडिंग इरम शमसी। सिर्फ दिसंबर में पक्का होगा हाँ इंशाल्लाह, पता है क्यों, इंशाल्लाह वो मैंने और फ्रॉम आल्सो वो जो USA तकरीबन 15-20 बेटियाँ जो है ना जी वो सर, हमारी, वो इस इंतज़ार में है जी कि सर। हम अच्छा पता नहीं कब सर, करेंगे। रिजवान कह रही है सर मोहम्मद लिख के दिखा दें मॉडर्न कैलीग्राफी में, अच्छा कुन फा यकुन, ये आप इसका बोले, जी ये सर, लिखते दो जो है ना। जी अच्छा सर, इस पर इसका जो मॉडर्न कैलीग्राफी होती है ना, इसका उसूल होता है कि इसको आप बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लिखते हैं। राइट सर, हाँ जी सर, तो यदि एट दी वर्क्स ये रीडेबल नहीं होनी चाहिए, हमारी जो मॉडर्न कैलीग्राफी होती है ना दैट इज़ फार मोर डिफरेंट कम्पेयर टू दी अदर मॉडर्न जो भी चल रहे हैं ना, वो जैसे सुबली है और इस टाइप के ना, बिल्कुल सर, हमारा एक अपना जो लाइक जो मेरा एक स्टाइल है ना जी मॉडर्न सर, कैलीग्राफी में, वो बिल्कुल डिफरेंट, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक डिफरेंट स्टाइल है और वो स्पेसिफिक पेंटिंग्स वो है। जी सर, अच्छा अब क्या था, मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम। अच्छा नजमा जी, कह रही है कि प्रमोशन जो हम सोशल मीडिया पे करते हैं उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो नजमा मैं आपको बता दूं इसमें कि इसमें इन्वेस्ट की इसमें जरूरत होती ज़रूरत नहीं होती, वो उनको होती है जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं और वो उसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, जब आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होगी,
तब आप करें पेड प्रमोशन। वेल, अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो शॉर्ट वीडियोस जो होती हैं 50 सेकंड की, वो बहुत हेल्पफुल होती हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वट एवर, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, यूट्यूब है। 50 सेकंड के जो वीडियोज़ हैं, आप हम जैसे यूज़र्स के लिए, असर की मैं बात नहीं करती, आप या मैं, हमारे लिए 50 सेकंड के वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि 50 सेकंड का वीडियो ऐसा होता है, उसके प्रमोट होने के दो रीजंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक 50 सेकंड की वीडियो और एक 50 मिनट की वीडियो, सेम स्टोरी है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उस वीडियो को शॉर्ट करके 50 सेकंड में एक्सप्लेन कर देते हैं, उसको ज़्यादा लोग देखते हैं। अब 50 मिनट पूरा नहीं देखते, इसीलिए वो आगे तक नहीं जाती, लेकिन 50 सेकंड तक लोग पूरा देख लेते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा लोगों तक जाती है और उसकी ज़्यादा रीच होती है। एंड सेकेंडली, हमारे लिए भी ईजी होता है कि एक ट्यूटोरियल से अच्छा एक शॉर्ट वीडियो ईजी रहता है। और तीसरी और अहम चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप चाहे वीक में एक वीडियो लगाएं, पर वीक में फिर एक ही लगाएं, दूसरी ना लगाएं, एक दिन एक टाइम और एक वीडियो। पर बहुत बेहतर यह है कि आप डेली बेसिस पे अपने सोशल पेजेस को अपडेट करें, कोई ना कोई पोस्ट, कोई ना कोई वीडियो आप ज़रूर अपलोड करें। अभी जब तक के शॉर्ट वीडियोस का कोई मोनेटाइजेशन नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको इसके लिए चार्ज नहीं करना पड़ रहा। कल को जब कोई मोनेटाइजेशन, चार्ज करने से मुराद ये है कि बहुत जल्दी आपको, जिनका यूट्यूब चैनल है या वो यूट्यूब व्यूअर है, अगर तो वो मेरे सब्सक्राइबर है या जिनके अपने चैनल है, नोटिफिकेशन मिलने के वेरी फर्स्ट मिनट में अगर आप 50 से 70 सेकंड तक वीडियो को देख लेते हैं ना, यानी इतनी, यानी आपको नोटिफिकेशन बेल आइकॉन से आपको बेल हुई है, नोटिफिकेशन आया, आप फौरन चैनल खोले, उसे 1 मिनट या 1 मिनट 10 सेकंड या 1 मिनट 20 सेकंड देख लेते हैं, तो लोगार्थम आपको हाई क्रिएट कर देता है, आपका एक लेवल बना देता है कि ये बड़ा ही कोई यूजफुल कंटेंट है जिसपे पब्लिक एकदम से वो हो गई है। भले आप 50, 70, 60, 80 सेकंड के बाद उसे स्किप कर दें, रोक दें, ना देखें, लेकिन इब्तदा में आपके लिए या आपके आपके चैनल्स के व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वेन ही गॉट वो जो है नोटिफिकेशन, तो उनको फौरी तौर पर ना उसको देखना चाहिए। उससे ये होता है कि उनकी जो वो उसकी चैनल की रेटिंग है ना, वो बहुत बढ़ जाती है। जी सर, बिल्कुल सर। नुसरत आसिफ कह रही हैं, सर मॉडर्न कैलीग्राफी में, हाँ जी, क्या कह रही, मॉडर्न कैलीग्राफी, एक मिनट, मॉडर्न कैलीग्राफी में कुन फाया कुन पेंटिंग करें तो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, बहुत जो बहुत अच्छा लगे बता दें। अच्छा नुजरत, आपके साइज पे बहुत डिपेंड करता है। वेल, दो तीन चीजें मैं अपनी हर वीडियो अच्छा, में अच्छा, 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 सर आप स्टार्ट कर दें, मुझे बताइए नेक्स्ट कोई है कुछ? नहीं सर, आप स्टार्ट कर दें, एक मिनट। जी हाँ, सी हम्मा या ये आई डोंट नो आपका नाम क्या है, 3636, डू यू डिलीवर एनी मॉडर्न कैलीग्राफी कोर्स? जी हाँ सर, मॉडर्न कैलीग्राफी कूफिक एंड सोल्स पे करंटली क्लासेस दे रहे हैं। अच्छा नुजरत, आप साइज पेंटिंग का अगर थोड़ा सा बताएं ना, तो उससे रिलेटेड हम आपको बताएंगे। आजकल एब्स्ट्रैक्ट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, आप देखेंगी कि अगर सिंपल टेक्स्ट है, लाइक कोई छोटी सी आयत है, कोई एक आयत है, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के साथ जो गैप फिल किया जाता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये चारकोल कौन सा है सर, यू यूज दिस चारकोल? ये पेस्टल है, दिस इज सॉफ्ट मीडियम एंड हार्ड, 3 टाइप ऑफ जो है ना चारकोल, वो चारकोल नहीं है, ये पेस्टल। सर आप कंपनी काइंडली अगर इसकी बता दें, इसकी कोई नहीं, मंगियो, मंगियो, मंगियो या मंगियो, व्हाटएवर, वो पता ही है, कोरियन ये है। अच्छा जी, जी हाँ, हम ना सर मंगियो जी, आपको कोर्सेज से रिलेटेड जो भी डिटेल चाहिए काइंडली वो आप सर से कांटेक्ट करके ही ले सकते हैं, वो मैं आई एम नॉट सपोज टू शेयर पब्लिकली। एंड बिगनिंग का ही कोर्स होता है हम ना सर, एक मीनार का वीडियो भी बना दें। जी इंशाल्लाह, जी सर, चलो मैं इंशाल्लाह।
जी सर जी सर। मिसेस हाशमी, मैंने आपको बताया था कि सर जो है प्रैक्टिस बुक पे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि फिज़िकल क्लासेस से पहले या फिज़िकल क्लासेस के बिल्कुल साथ यानी दिसंबर 5 तक हम अपनी इस प्रैक्टिस बुक का काम कंप्लीट कर लें और आप सबके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दें। जो हमारी तीनों डिफरेंट फॉन्ट्स पे होगी, हम उनको डिफरेंट लेवल्स में रखेंगे, लाइक हरूफ तहजी के डिफरेंट होंगे, मुरकबात, और फिर उसमें कुछ आयात की कंपोजिशंस भी होंगी। तो ये हम देख लेंगे कि लाइक उसको एक ही बुक में कवर करना है या क्या तरतीब रखनी है, हम इंशाल्लाह इस पे जरूर दिखाएंगे। क्या हो गया बेटा यार, ये क्या कर रहे हैं आप, ये पकड़ाए मुझे यार। क्या चाहिए? ये बंद करो, इसकी आवाज बंद करो। चलो ये शुरू करो। सिर्फ चाहिए क्या? बस ये चलो जी सर। देखो ये कोड है, ये बंद करे। अरे इसको बच्चे साइलेंट पे लगा दो। अच्छा जी, और ही दे दे मुझे जी सर। साथ साथ तो ये करता जो मुकम्मल जी सर। अच्छा, बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी भी हैं राबी जी सर, जिन पे शायद हम कवर नहीं कर पाएंगे ना। ये ऐसी टेक्निक है जी सर, इस पे आपको बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करें जी सर। ये लाइक ये है कि ऑरेंज को आप डबल करते हैं जी सर, और ये जो है ना आप देखिए ये कलर बड़ा शार्प था जी सर। सर वो आपका शार्प कलर नीचे भी आ गया, कोई बात नहीं जी सर। तो ये बड़ा शार्प था ना कलर जी सर, जैसे जैसे ऑरेंज लगेगा ना तो इस इन कलर्स में आपस में एक वैल्यू बन जाएगी। अभी तक आपका सारा फोकस इवन ये ब्लू लगने के बावजूद ये एरिया जो था ना बड़ा ज्यादा फोकस था जी सर। जी लाइबा सर, अभी तो बिल्कुल कोई फिजिकल क्लास नहीं दे रहे सर, ऑनलाइन क्लासेस ही दे रहे हैं, और जब सर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब भी दोनों का ऑप्शन आपके पास होगा। लाइक ऐसा नहीं होगा कि तब सर ऑनलाइन क्लासेस खत्म कर देंगे, क्योंकि फिजिकल क्लासेस तो लाहौर बेस्ड स्टूडेंट्स ही हमें ज्वाइन कर पाएंगे, तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो सब हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। सारा सर का कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी सर वहीद, मैंने आपका मैसेज कन्वे कर दिया है। सर फ्री होंगे, आप दोबारा एक टेक्स्ट छोड़ दें व्हाट्सएप पे, सर फ्री होंगे तो इंशाल्लाह इस सेशन के बाद सर आपसे रब्ता कर लेंगे। ये पेस्टल ब्लैक है, इसे डायरेक्ट कैनवस पर लिख के कैसे सेव करें, ख़राब तो नहीं होगा ये? सर ये आपके राइट हैंड साइड पर, आप इसको कम्प्लीट करने के बाद काइंडली लिख कर दिखा दीजिएगा। सारा इस पेंटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, या अब कोई भी ऐसी पेंटिंग जिस पे आपने चारकोल्स के साथ काम किया है। अच्छा ये शीबा हैं, शीबा, अच्छा शीबा, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लेकर का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्प्रे फॉर्म में जो लेकर होता है ना उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जी सर बहुत ज़रूरी है कि हम इनके, ये तो हमारी एक वैसे ही ना ट्रेसिंग का एक्सपेरिमेंट था ना, आपको याद है, ये नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, ये ट्रेसिंग, ये ट्रेसिंग का एक्सपेरिमेंट था। इट मींस कि ये हमने पेंटिंग में एक एक्स्ट्रा एडिशन की है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द पेंटिंग ना जी सर। इस पे इनफैक्ट आप अगर इसको ये बिल्कुल वेव कर भी देते हो तो इट डजंट मैटर जी सर। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे। सबसे पहला सवाल है सर, अल्लाह मैंने इतने सवाल छोड़े हैं। अच्छा मैं दोबारा आप सबके सवाल चेक करती हूँ, सॉरी एक भी कमेंट नया आता है तो पीछे से सारे सवाल चले जाते हैं। सर सबसे पहले किरण खान ने बोला है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम किरण फ्रॉम यूएसए, हाउ आर यू बेटी। उसके बाद समन ने बोला है, अस्सलाम वालेकुम, मैं सुलह सीखना चाहती हूँ, आप नया कोर्स कब स्टार्ट करेंगे? समन इंशाल्लाह सर जब भी नया कोर्स स्टार्ट करेंगे, होपफुली दिसंबर में होगा इंशाल्लाह सर। सर आपको यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज वगैरह पे मिल जाएगी। अच्छा वैसे, जी वैसे राबी एक मिनट, वैसे मैं एक बात बता दूं जी जी, कि वेरी सून शायद आजकल भी हम इसका पोस्टर लॉन्च कर देंगे जी सर। जो कुफिक, एडवांस कुफिक का जी, और कौन सा
एडवांस कूफिक पेंटिंग एंड बेसिक टू एडवांस कूफिक जिसमें कैलीग्राफी भी होगी, ये दो डिफरेंट होंगे, एक में सिर्फ कूफिक सिर्फ पेंटिंग होगी, क्योंकि ये जो एडवांस है इसमें हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसको वो सीख चुके हैं। बिल्कुल, तो ये सिर्फ मैंने रखना है पेंटिंग्स के लिए जी सर। ये 2 मंथ का कोर्स होगा जी। अब इसमें हमारे बेचारे स्टूडेंट बहुत सारा जो है ना वेट कर करके ना जी सर। तो सर एक सवाल है नादिया शफकत का, वो कह रही है कि आपकी नज़र में आर्टिस्ट की क्या निशानियां हैं? सोता अपनी मर्जी से है, मैं उठता भी अपनी मर्जी से है, मैं खाना पीना अपनी मर्जी का होता है, वो हर एक का अपनी मर्जी का होता है, मैं लेकिन वो ज्यादातर लिक्विड पसंद करता है, लिक्विड में वो सबसे ज्यादा चाय पसंद करता है, मैं नहीं। और इसके अलावा वो नेचर में बड़ा सेंसिटिव बहुत होता है, घुमा घुमा रहता है जैसे वो ना नेचर में, और लाइक जो रश वाली जगह है उनसे वो बड़ा अवॉइड कर रहा होता है। और एक आर्टिस्ट एक फैशन डिजाइनर होता है, एक इंटीरियर डिजाइनर होता है, वो एक टेक्सटाइल डिजाइनर होता है, डिजाइन का कोई भी काम हो आर्टिस्ट उसमें अपनी सलाहियत जरूर दिखाता है, या आप समझ लें कि अपने जौहर जरूर दिखाता है, अपना वो जो कह लेंगे अपने गट्स दिखाने की वो पूरी कोशिश करता है डिज़ाइनिंग के हर तरह के शोबे में। और इसके अलावा जो एक है वो मैं नहीं शेयर करूँगी, सर गुस्सा करेंगे, ठीक है। तो ये है कि जो एक दूसरी मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि आर्टिस्ट ओवर सेंसिटिव होता है, आई थिंक एक्सट्रीमली, आप कोई भी आर्टिस्ट देख लें, आप उसके साथ अगर थोड़ा सा भी हार्श होंगे, थोड़ा सख्त लहजे में पेश आएंगे तो उसका दिल दुखेगा, छोटी छोटी बात पे वो ओवर रिएक्ट भी करेगा और उसका दिल भी दुखेगा। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि वो जहन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी तरह हो जाते हैं, लेकिन मैं आर्टिस्ट नहीं हूं। नहीं, एक 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 साइंस का फैक्ट है कि जो भी बंदा अपना ब्रेन बहुत ज्यादा यूज करता है, बहुत ज्यादा, वो बहुत स्मार्ट होता है। जनरली ये देखा गया है कि स्मार्ट बंदा अपना ब्रेन बहुत यूज करता है, तो वो ये कुछ आतेजाद है ये सर, मैंने आपको कहा जनरली देखा गया है, और अपने मामा को देख के कहा ये, सर मैं मामा को बताऊंगी, आप बताएं, ये मैं दिखाऊंगी भी उनको। अच्छा जी, इसके अलावा हैं, लेकिन वो तो बेचारी आप देरी तरह होगी, वो भी दिमाग यूज करने लगती है जी सर, वेलकम वेलकम फायजा, आप में से जो भी आना चाहें वो सर की फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, पेंटिंग्स न्यू कोर्स करना चाहती हूँ, कब स्टार्ट होगा? सदफ, मैंने आपसे अभी आप सबको बताया कि सर का जो न्यू कोर्स है वो कूफिक का है और वो दिसंबर में स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। हाँ जी, नाज आर्टिस्ट मस्ट देर से सोता है, आप यकीन करें मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपनी रूटीन ठीक करने की, लेकिन कभी भी नहीं होती, कभी भी। सर आपको हसन आलम कह रहे हैं कि सर आप इस्लामाबाद आएँ, रियली वॉन्ट टू मीट यू, तो बच्चे आप लाहौर आ जाएँ, सर ही इज 15 ईयर ओल्ड एंड वो आपको इनवाइट कर रहा है कि सर आप बेटा मैं इंशाल्लाह जब भी आया, बहुत इस्लामाबाद से हमारी एक है स्टूडेंट है जी सर, उनके माशाल्लाह जो है ना हस्बैंड वो आर्मी में बड़े अच्छे एग्जीक्यूटिव वो से हैं, ऑफिसर हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत, वो पहले थी शायद कहीं और थी, उन्होंने मुझे बहुत बार हमारी स्टूडेंट बेटी ने ना बड़ा इन्वाइट किया हुआ है, तो बहुत स्टूडेंट इनवाइट करते हैं, लेकिन मसला फिर वही आ जाता है ना, हेल्थ इश्यूज होते हैं जी सर, तो अब तो वैसे भी सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में तो भाई मैं तो इस्लामाबाद की सर्दियां बरी और आहा हा, और कभी बड़ा शौक था सर शाजमान कह रहे हैं आर्टिस्ट को शादी नहीं करनी चाहिए, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं ये अच्छा आइडिया है, ऑनेस्टली मैं आपके साथ हूँ बेटा, तू मुझे आज से 25-26 साल पहले मिल जाता ना, हाँ तो वो खावे ना तू मरता ना मैं भी लेकिन थैंक यू आपके इस मशवरे का, मैं इसको याद रखूंगी इंशाल्लाह। एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की बहुत पहचान होती है, क्या ये बात ठीक है? डेफिनेटली
आई थिंक सर की हमेशा इस चीज के बारे में ही आर्टिस्ट होती है ना, वो बाहर रहना ही नहीं पसंद करता, वो रहता ही अपनी कम्युनिटी बिल्कुल। और सर तन्हाई पसंद बहुत होता है, कोशिश होती है कि मैं चार घंटे मैं नहीं यदि क्लास दे रहा होता हूँ तो मुझे खास तौर से पेंटिंग क्लास में मुझे मेरी कोशिश होती है यार लगे ही रहो, लगे ही रहें। जब आपका एक मोमेंटम बन रहा होता है उस वक्त तक टाइम हो जाता है, चलो एक घंटा क्लास का गुजर। और सर एक चीज मैंने देखी है, दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये कि मुझे नहीं पता कि ऐसा है कि नहीं, लेकिन मैंने यूजुअली ये देखा है जिनसे भी मैं मिलती हूँ और वो नेचुरली मुझे आर्टिस्ट लगते हैं, तो वो जो हैं वो बोलते हैं कि हम रात में काम करते हैं। आधे से ज़्यादा लोग यही बोलते हैं आर्टिस्ट कि भाई मैं देखती हूँ, आप टेंशन ना लें, आप अपना सवाल दो तीन दफ़ा लिखते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं देखती हूँ आपके सवाल, टेंशन ना लें, दोबारा से पढ़ूंगी। आर्टिस्ट एक तो रात में जागता है और दूसरा ये कि वो क्रिएटिव काम जितने भी करता है ना, मेरे ख्याल के मुताबिक रात में होते हैं। मैंने फील किया ये। मैंने बहुत अरसा, मैंने रवि आपसे शायद अपनी जर्नी शेयर की थी इसकी ना, कि मैं तो बहुत ज्यादा जो था ना इस पे रात को वो यानी मैं स्मोकिंग भी करता था ना जी, तो मेरे स्टूडियो में लाइक वो आपको क्या सीन बताऊं कि वो सिगरेट के वो ना वो ऐश और वो सारा वेस्ट और वो सारा उसमें एश्ट्रे दे जी सर, और मेरे पास सिगरेट, मेरे पास चाहे मट्टी का तेल, उस वक्त ऑयल पे ज्यादा काम होता था, मट्टी का तेल खत्म हो जाए तो भले ही हो जाए, और जनाब मेरे पास सिगरेट, मैंने रात में अपने ना पूरा जो कोटा है वो संभाल के रखना। और अब आगे आता है यार, देखो वो कैसा दौर था और क्या टाइम था, मगर ये जरूर है कि आपको ना आर्टिस्ट रात में वो बड़ा, जो स्टूडेंट कुछ क्रिएट करना चाहते हैं खासतौर से जो आर्ट सीखना चाहते हैं जी जी, मेरा उनसे मशवरा, उनको मशवरा है जी, कि प्लीज कोशिश करें रात को जो है ना आर्ट पे काम किया करें, ना सिर्फ आर्ट पे काम किया करें बल्कि कोशिश किया करें कि फजर पढ़ के ना तो फिर सोया करें। बिल्कुल। और एक बात मैं आपको बताता हूँ जी, मैं अगर अपने फादर से, अपने ब्रदर से, अपनी मदर, वट एवर, किसी से भी मुसलसल ऐसी फरमाइश करता हूँ जो उनके लिए थोड़ी सी नाकबूल करने वाली हो, लेकिन जब मैं मुसलसल जिद करता रहता हूँ ना तो वो मेरी ख्वाहिशात पे यानी डिक्लाइन कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, कहते हैं अच्छा चलो जा रहे हैं। यही ये तो हमारा इंसानी रिश्तों का ताल्लुक है, आप जब मुसलसल अल्लाह ताला से अपनी फरियाद और अपनी दुआ अल्लाह की बारगाह में पेश करते रहते हैं ना जी सर, तो आप यकीन करें इन्नल्लाह समीउल अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है जी, वो आप नहीं भी मानते ना जी तो भी जी जी बेशक वो बेशक आपको बेशक आप अल्लाह ताला से, आप अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपके इल्म में, रिज्क में, ईमान में, उम्र में बरकत दें। और ख़ास कर जो रात को जागते हैं जितने भी, उनसे मेरी दुआ रिक्वेस्ट है कि वो अपनी दुआ किया करें और स्पेशल दो नफल पढ़ के, जिसे तहज्जुद के भी नफल कहा जाता है, वो पढ़ के दुआ किया करें। ठीक है, तो वो क्योंकि अल्लाह ताला आपको पता है रात में तहज्जुद में मांगी गई कोई भी दुआ इंसान की रद्द नहीं करते। अच्छा मुगल जी कह रही है मैं लड़पड़ती हूँ, हाँ जी ये तो खैर थोड़ा हर बंदे का मिजाज डिफरेंट होता है, मैं कभी लड़पड़ती हूँ और कभी बिल्कुल ही छोड़ देती हूँ, कभी ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ, छोटी बात पे भी बहुत बोल देती हूँ, लेकिन कभी बिल्कुल ही नहीं बोलती, ब्लॉक कर देती हूँ लेकिन कभी मैं बहुत लड़पड़ती हूँ और कभी बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, तो ये मूड पे भी हमारे डिपेंड करता है, बात पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह की बात है, ये तो थोड़ा और सबका ही होता है, हम में वैसे भी आजकल पेशेंस वैसे ही थोड़ी कम है। नहीं नाज मेरी रूटीन बिल्कुल सेट नहीं होती, हाँ इस लिहाज से मेरी रूटीन सेट है कि मैं 14-15 घंटे आराम से सोई रहती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता, ये भी होता। तो मैं सर के हिस्से का भी सो लेती हूँ। आर्टिस्ट को सोया तो वो उसने अपनी, यानी आर्टिस्ट तो भाई आर्टिस्ट की जिंदगी अमानत होती है, सर मैं इसमें थोड़ी बहुत खयानत कर जाती हूँ उसकी कम्युनिटी के लिए ना, आर्टिस्ट की लाइफ जो होती है ना, और मैं अपनी नींद से बहुत आवाजार हूँ भाई, मैं 15 घंटे सोई रहती हूँ, बाकी 9 आवर्स में आप सोच ले मैं क्या करती होंगी, कुछ भी नहीं बचता मेरे पास, और मैं अपने आधे से ज्यादा प्लान इस वजह से छोड़ देती हूँ
सर आपके स्टेंसिल्स चाहिए शाजमान स्टेंसिल्स। अच्छा, मैंने आज तक स्टेंसिल यूज नहीं की, शायद कभी अच्छा आपको सर कुछ आपको कहाँ पे स्टेंसिल लग रहा है बेटा? और नहीं नहीं आज तक कह रहे हैं आपके स्टेंसिल चाहिए हमें। किस टाइप के कैलीग्राफी? मैं वही बता रही हूँ शाजमान, कुछ सर की प्रैक्टिस बुक आएंगी इन फ्यूचर इंशाल्लाह, बल्कि कुछ ही टाइम के अंदर अंदर विद इन अ मंथ इंशाल्लाह, तो उसमें सर अपनी कुछ कंपोजिशंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसमें हम सिर्फ वो एक प्रैक्टिस बुक नहीं होगी कि आपने कुछ टाइम यूज की और उसके बाद वो खत्म होगी, दो तीन किस्म की हमारा जो कोशिश होगी कि एक तो हरूफ तहजी की अलहदा हो, बिल्कुल सर, मुरक्कबात आयात की कंपोजिशन, और एक बुक ऐसी होगी जो सिर्फ स्पेसिफिक अल्लाह के इस्म में। जी सर, और उसको उसको सर मेक श्योर करेंगे कि आप सब इंशाल्लाह एज अ स्टेंसिल भी यूज कर सके ना, लाइक उसमें प्रैक्टिस तो आपके सामने, वो प्रैक्टिस का मकसद ये है कि एक बुक आपके पास भेजने से अच्छा है बुक की फॉर्म में ही होगी, लेकिन प्रैक्टिस बुक होगी तो वो आप सब के लिए भी अच्छी रहेगी, तो वो उसको आप एज अ स्टेंसिल भी इन फ्यूचर यूज कर पाएंगे। और ये मैं कहाँ ले गई हूँ? अच्छा जी, मैं आऊँगी सर ये क्लासेस लेने का। ओ फायजा कह रही है कि मैं कराची से आऊँगी आपकी क्लासेस लेने। थैंक यू बेटा। अच्छा ये बताएं, ये रिफ्लेक्शन तो नहीं सर आप करें? जी 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 सर, आप लाइट यूज कर रहे हैं ना? बस मुगल मुगल जी, हाँ जी, बस मुगल जी आप बन गई हैं आर्टिस्ट, आप अपने आप को आर्टिस्ट ही कंसीडर करें, जब आपने पहली दफ़ा कलम उठाया था तो आप आर्टिस्ट बन गई हैं, बस अपने लिए रोज दुआ किया करें। हाँ मैं यदि आर्टिस्ट वो बाई बर्थ होता है, लेकिन पता है क्या होता है, बाज़ुकात आपके जो आपके साथ जो जो हो रहा होता है जो सराउंडिंग होती है या जो कुछ वो जो एनवायरमेंट क्रिएट हुआ होता है या एनवायरमेंट या एक क्या कहना चाहिए हालात बन रहे होते हैं, वो समटाइम आर्टिस्ट के अपोज होते हैं, मगर वही हिसाब है कि वो जो ऊंची मुखालिफ हवा होती है ना वो आपके ऊंचा उड़ाने के लिए होती है, तो बिल्कुल भी आप उसमें ना वो ना फील करें, इंशाल्लाह जल्द ही आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाएंगे। और कोशिश ये किया करें कि आप अपना काम जो ख़ास तौर से जिन स्टूडेंट्स को कुछ फाइनेंस का इशू हो ना जी सर, वो कोशिश किया करें कि अपना जो प्रैक्टिस वर्क है या जो पेंटिंग है ना जी, सारी पेंटिंग जैसी बनी है नहीं अल्लाह का कलाम है, आप यकीन करें बिकेगा, वो हदियातन जरूर सेल हो जाएगा। बस ये ना सोचे कि हाय मैं पहले तो एक दो चीजें हैं, एक खुद नबाई भी होनी चाहिए आपने, क्या बात है वाह, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है आपकी वो कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए कि बहुत अच्छा काम करके भी आप समझिए आपको दो लोगों ने कह दिया यार ये क्या कर दिया, तो आप कहिए तो अच्छी नहीं बनी, जो बना है सोशल मीडिया पे अपलोड करो जल्दी से करो और फिर उसका रिजल्ट लो इंशाल्लाह, सेल करो अच्छा, ज्यादा सेल करो और ज्यादा अर्निंग करो। मेरी कोशिश ये है कि सारे खासतौर से मेरी जो बेटियां हैं वो अर्द करें, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, मैं हर बार इस पर बड़ी बात करता हूँ, ख़ास तौर से हमारे पाकिस्तान में और आल्सो ऑलमोस्ट हमारे सब कॉन्टिनेंट में बच्चियाँ जो हैं वो बड़ा एक हर जगह पूरी दुनिया में बड़ा एक शानदार उनका जो है वो करेक्टर रोल भी है, और वो अल्लाह ताला उनको जजा दे और कामयाबियाँ दे, वो अपनी फैमिली के लिए बड़ा ही ज्यादा वो सैक्रिफाइस करते हैं जी सर, तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपको ना ये करना चाहिए, लाइक घर में बैठे भी रहे काम भी आपका चल रहा हो, बिल्कुल थोड़ा बहुत आपको है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल ना ले जो आपको वो बेच रहे हैं क्या जो होते हैं यूजलेस मीडियम्स और ये सब चीजें, उनसे थोड़ा इस्तेमाल करें और अपना काम करें भाई, ताकि आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएं इंशाल्लाह। सर किरण खान कह रही हैं कि कोई वर्कशॉप इस्लामाबाद में भी करें प्लीज। किरण किधर से है बेटा आप? सर इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से किरण से ये पूछे कि बेटा मैं इस्लामाबाद से लाहौर से आके ना आप इवेंट कोई जो है ना वो ऑर्गेनाइज कर ले, आपके पास कोई इवेंट प्लेस हो ना जी सर, तो वो फिर ये होता है कि कम से कम
जो है ना, मुझे आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, मुझे मसला नहीं है। जी अच्छा, किरण इसमें लाइक इसमें इसमें दो बातें शायद इसमें ना, हमारी जो यूट्यूब की मैंने इसका ट्यूटोरियल दिया या वैसे, कि एक ही लफ्ज़ को दो बार कंटिन्यू, बट वो जो है ना वो मॉडर्न कैलीग्राफी के लिए, आप याद रखिएगा, ये हम सुल्ज के हरूफ तहजी लिख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह में भी आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। तो अच्छा मैंने जी थोड़ी क्लैरिटी दे जी दी सर। किरण खान आप लाइक अपने प्लेस पे सर को यहाँ से आके स्पेशल वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हुए थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, आप कोई प्ले कर लें उसको मैनेज आप कर लें और सर इंशाल्लाह ऑन कॉल आ जाएंगे, आप जब बुलाएंगे तो सर आ जाएंगे और लाइक अपने सोशल मीडिया पेजेस से भी सर इसको बूस्ट कर देंगे और अपने स्टूडेंट्स को बता देंगे, सो दे विल बी देयर एट भले योर ये प्लेस पेड कर इंशाल्लाह। ले, भले पेड कर ले ना, बिल्कुल वो वहां पे इस्लामाबाद में, अगर इस्लामाबाद में है इनके पास में वेन्यू हो ना, जी तो उसका थोड़ा इनकी जो एडवर्टाइजमेंट करके उसको पेड वर्कशॉप कर बिल्कुल दे, सर ऑन डे और 3 घंटे की वर्कशॉप कर दे, बड़ा अच्छा हो जाएगा। जी सर, और एक स्टूडेंट है आपकी, इनका नाम है कहाँ गया ये पता नहीं सर, मैं इनका नाम भूल गई हूँ, सना कह रही है आर्टिस्ट झूठ नहीं बोलते। आई एम सॉरी, मैंने कोशिश तो ये, बल्कि मैं तो जो लोग भी मुझे मिलते हैं ना, मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि झूठ बेटा तो बोलना ही नहीं चाहिए, अल्लाह झूठ ताला नहीं, हम वो सबको माफ आर्टिस्ट करे। नहीं, आर्टिस्ट नहीं, वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलीशान फरमान है ना, अल्लाह ताला मुझे कभी बेशी माफ़ करे, उसकी कुछ बातें हैं कि जो मोमिन है ना उसमें शायद वो, अल्लाह मुझे कभी बेशी माफ़ करे, मैं उसका जो मफहूम है उसमें एंड पे एक प्यारा सा, आप सारी हदीस ही बहुत प्यारी है, कि मोमिन जो होता है वो झूठा नहीं होता, ये मोमिन की सबसे बड़ी खासियत होती है। तो सुभान अल्लाह। और अच्छा सर ने डार्क ब्लैक कलर के ऊपर कलर स्काई ब्लू किया था बट ब्लैक नजर, तो नीचे वाला कलर नजर आ रहा है। उमेर आप अपने कलर का ब्रांड जरूर मेंशन करें। और समटाइम होता है आप बड़ा थिक कलर लगा रहे थे, और राती इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है ना, मैं पाकिस्तान में कोई बच्चा ऐसा नहीं देखना चाहता जो मेरा स्टूडेंट या मेरे चैनल का व्यूअर है और उसको प्रिपरेशन की कोई समस्या हो, मैं नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरा, पता है क्या होता है, आर्टिस्ट शुरू ही राबी ग्राउंड से होता है, बैट्समैन जब जाता है ना तो जी सर पहली बॉल जब वो फेस करता है ना, बिल्कुल सर तो उसको पिच के बिहेवियर का अंदाजा हो जाता है कि इसमें अनइवन बॉक्स, वो बाउंस है बिल्कुल या ये फ्लैट है या शाइनी है, ग्रासी है, ये डेड बॉल निकल रही है, शूटर आ रहे हैं। सो आपके पास भी ये आपकी एक ग्राउंड होती बेस है, बहुत मैटर करती ये है जितनी आपके हमाहंग होगी, जी आपको ये सपोर्ट कर रही होगी, लाइक आप इस पे यहाँ से अलिफ लिखते हैं, जी सर मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ, ये देखिए कि अगर आपने इवन, जी सर मेरे पास कोई स्पेशल कलर्स नहीं है, आप ये देख लीजिए ये, और भाई मेरा ब्रश कोई रंग जो है वो उसमें मैंने डिप वो नहीं किया हुआ, बैंक नहीं किया हुआ, ये मैंने सिर्फ डिप किया, और अभी एक लफ्ज मैंने लिख दिया, बाकी आप देखिए ये प्रिपरेशन आपको रिक्वायर्ड है, ये प्रिपरेशन आपको चाहिए। जब आपको जो मीडिया है, मीडियम है, वो सपोर्ट करता है ना, आपका दिल लग जाता है काम। तो जी सर बहुत से आर्टिस्ट मैंने भागते मीडियम की वजह से देखे हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई बच्चा भागे आर्ट में, जी ठीक है, जो आ गया वो फिर इसमें सक्सेसफुल होना चाहिए। सक्सेस ये होता है कि आप अर्निंग शुरू कर दें, मेरे जैसा इंसान आज भी, मैं समंदर के किनारे पे खड़ा हूँ, आर्ट को सिर्फ देखता हूँ, मेरे ऊपर अभी आर्ट की एक छींट भी नहीं पड़ी, ये इतनी वसी फील्ड है, मगर इसका ठंडा झोंका जो आता है ना पानी पे, जो हवा जो फिल्टर होके आती है, कम अज कम उसने मेरी रूह को ताजगी दी हुई है अल्लाह के ऊपर। सुभान तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं इसमें इस समंदर में कूद नहीं गया ना, बाहर बैठ के भी मैं मुअत्तर जरूर हूं, मैं वेट हूं, मैं इसकी खुशबू ले रहा हूं,
तो यही मेरी आपसे भी इल्तजा है कि आप ये काम करें, ये बहुत अच्छा, जो ख़ास तौर से जिनकी फैमिलीज, जिनके पेरेंट्स या जिनकी जो हस्बैंड हैं वो सपोर्ट नहीं कर पाते अपने वाइफ को या अपने बच्चों बच्चियों को आर्ट में, ये मुझे बड़ा दुख होता है। आप उन पर एक दफ़ा ये टाइम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मुझे पता है कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट और इतनी माशाल्लाह से बच्चों में इतनी एबिलिटी मौजूद है कि उनको ज़रूरत नहीं है कि वो रोज़ाना आपसे पैसे मांगे अपने आर्ट मटीरियल के लिए। आप उन्हें एक दफ़ा मुनासिब से पैसों से मटीरियल ले दें और फिर वो देखते रहे, रोज़ाना कोशिश करें, रोज़ाना काम करें, रोज़ाना ये करें। मैं नहीं समझता, और आपकी प्रैक्टिस आपके पास बची रहनी चाहिए, और जब आप उसको प्रोफेशनल करें, जो पेंटिंग आप चाह रहे हैं कि आप सेल करें, उसको आप सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे छोड़ देंगे, गैलरियों में जाना नहीं दिखती, गैलरियों वाले नहीं लेते, ना लें। सोशल मीडिया तो जिंदाबाद है ना, हमने जिस दौर में सीखा है उस दौर में तो टीवी भी जो था वो किसी किसी घर में था ना जी। बिनते सईद जी, हाँ, मैं अपने इंक पॉट में सबसे पहले थ्रेड रखती हूँ, उसमें इंक डालती हूँ, देन मैं पानी का इस्तेमाल रखती हूँ लाइक 2-3 दिन बाद, जब मैं अपनी कैलीग्राफी करती हूँ, यानी हर 2-3 दिन बाद मैं पानी शामिल करती हूँ। जी सर, मैं चाहूँ का कि अगर इसमें हमारा टाइम स्पेंड हो तो ये मेहरबानी ज़रूर हो कि बातों के साथ साथ मैं स्टूडेंट्स को, अगर ये पेंटिंग आज नहीं भी मुकम्मल होती ना जी सर, बेटा मैं क्या दे रही हूँ। अच्छा सर, जो आपने बोला था जी, तो अगर ये पेंटिंग नहीं भी कंप्लीट होती ना जी, तो एटलीस्ट ये हो जाए कि इसमें हम बातों के साथ साथ कुछ टेक्निक्स पे भी काम कर ले, ठीक है जी सर, इसमें कुछ काम और होना है जी। सर, नादिया कह रही हैं कि आपको देखकर लगता है या अंदाजा होता है कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, इज इट ट्रू और नॉट? मैं आपको बताता हूँ, जब मैं छठी क्लास में गया ना राधी, हम मैं थोड़ा सा आपको अपनी ना वो बता देता हूँ, वैसे मुझे अपनी लाइफ जर्नी को अपने चैनल पे ही शेयर करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये मेरा ही चैनल है। मेरी ये है कि मैं प्राइमरी स्कूल में ना 5th क्लास तक टाटों पे बैठ के पढ़ाऊँ, टाट यू नो जॉट और वो बोरी जो होती बड़ी बड़ी, वो टाट बने हुए होते थे और कच्ची मिट्टी के हमारे जो थे ना वो थे मेरा भी जी जमीन जहाँ पे हम बैठते थे। तो उसमें ये होता था कि उसके बाद जब मैं मॉडल हाई स्कूल में गया मॉडल टाउन में जी सर, तो वहाँ पे मैं आई वॉज बेबी ऑफ स्कूल, हालांकि वो बहुत बड़ा स्कूल है, जो बच्चे लाहौर में रहते हैं उनको मेरा पहला बहुत पता होगा जी सर, मॉडल हाई स्कूल कितना बड़ा है, बिल्कुल सर। और खैर मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे पढ़ने लग गया जी सर, चूंकि खताती का मुझे बचपन से ही बेतहा क्रेज था, शौक था, आर्ट मुझे बड़ा शौक था, यदि ना मेरी कमजोरी थी आर्ट की ना जी सर, तो वो क्या अल्लाह आपका भला करे, आमीन। मैं करता रहा, वो मुझे किसी ने ना उन दिनों में हमारे टीचर थे इस्लामियात के सर नूर मोहम्मद साहब जी सर, और फिर उसके बाद हमारे इस्लामियात के और अरबी के अलग-अलग टीचर, दे विल आस्क यू टू राइट अरबिक, नहीं वो मेरा ना एक वो बन गया था अरबी, क्या बोलते हैं, एक बड़ी हवा बन गई थी टीचर्स में स्टूडेंट्स में खास तौर से कि अलवी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। अब ये क्या हुआ कि जो टीचर्स को ना, टीचर्स ने पूछना, खास तौर से जो हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम होते थे, सेकंड टर्म के, थर्ड टर्म के, उसमें जो टीचर्स होते थे ना वो ज़्यादातर अपने स्टूडेंट से पेपर चेक करवाते थे, और पेपर्स उनसे चेक करवाते थे जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती थी। तो जब भी उन्होंने ना ख़ास तौर से फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म के जो पेपर होते ना, क्योंकि एनुअल के तो वो खुद चेक करते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म के जो पेपर होते थे ना उस पर वो हमें ना, जब भी उन्होंने कहना ना क्लास में किसी टीचर ने कहना कि लिखाई किसकी अच्छी है, तो मेरे स्टूडेंट जो मेरे फेलोज थे ना उन सब ने यक जबान कहना सर जी अलवी, सर जी अलवी। वो ना खैर उन्होंने मुझे बुलाना, इससे ये हुआ कि
ना सिर्फ क्लास बट उस वक्त शायद मेरे स्कूल में तकरीबन 3,600 स्टूडेंट थे। बहुत बड़ा स्कूल है मॉडल टाउन में ये ना, गुड। तो वो मेरा ऐसा ऐसा एक ना हवाई बनती गई राबी के अलवी अलवी। फिर हमारा दर्स होता था कुरानी आयात का और हदीस शरीफ का ना, तो सुबह के टाइम दर्स होता था और जोहर की नमाज हमारी वहाँ पढ़ाई जाती थी स्कूल में। गुड। तो वो जनाब उसका बोर्ड वहाँ पे आ गया। फिर हमारे हजरत थे मौलाना क्या नाम था, खैर अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उसी वक़्त काफ़ी एजड थे, आज से 38 साल पहले ही वो काफ़ी उम्र रसीदा थे, अल्लाह ताला आपकी मगफरत करे। आमीन उनकी आमीन सफ़ेद आमीन। दाढ़ी थी और बड़े नमाज में बहुत सख्त थे वो हमारे साथ ना। अल्लाह ताला उनको जजा दे। आमीन आमीन। तो उन्होंने ना राधी जी सर। हमारा ना वो फिर मुझे स्पेशली, वो पहले पहले कभी कभी बच्चा होता है ना वो लाइक वो भी अपने फेलोज के साथ, हमारा नमाज का पीरियड होता था। जी सर। अच्छा उस पीरियड में हमें बहुत ज़रूरी होता था कि अपनी अटेंडेंस, अच्छा कई स्टूडेंट ऐसे भी थे जो नमाज वो नहीं पढ़ते थे, वो इधर उधर घूम फिर लेते थे, और कई जो ऐसे थे ना उनमें अल्लाह आपका भला करे वो नमाज पढ़ते थे। अब हम भी दूसरों को देख के कभी कभी दे चाहता था कि हम भी इधर आना इधर उधर घूम फिर लें, वो बात मुझे याद करवाना था। तो वो जी मैं लिखता था, मुझसे वो करवाते थे सर जी सर। नूर हुसैन साहब सर या पता एक नहीं क्या चीज़ नाम है, था। एक चीज़ है सर कि इज इट ट्रू कि अच्छी हैंडराइटिंग हो तो कैलीग्राफी भी अच्छी होती है? नहीं ऐसा नहीं होता, सर मेरी तो हैंडराइटिंग इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, इतनी बुरी है जिसकी कोई हद नहीं। नहीं ऐसा नहीं होता ना, ये अच्छी हैंडराइटिंग है। और मैं बहुत से लोग देखे हैं जिनकी बेचारों की हैंडराइटिंग ही सही नहीं है, जी सर। सर बहुत मैं लोग मुझे हैं। देख ले, हालांकि मेरे बाबा की भी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मेरी मामा की भी हैंडराइटिंग बहुत ही प्यारी है, इस हिसाब से मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी इतनी हैंडराइटिंग बुरी है जैसे कीड़े छोड़े होते हैं किताब पे छोटे छोटे। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई हकीकत है, और मुझे इतना टाइम लगा भी नहीं था कैलीग्राफी सीखने में, मेरी जो कलम से प्रैक्टिस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, लाइक शायद 15-20% होगी, बाकी 80% मैंने अपनी प्रैक्टिस ब्रश के साथ ही और मार्कर्स के साथ ही स्टार्ट की थी। आई नो मेरी कैलीग्राफी अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी नहीं है इसकी कलम के साथ अभी तक, तो आई नीड मोर प्रैक्टिस। लेकिन कैलीग्राफी, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा कैलीग्राफी अच्छी होने का कोई कंसर्न नहीं होता। हाँ वक्त के साथ साथ अगर आपकी कैलीग्राफी अच्छी है तो आपकी हैंड राइटिंग पर फ़र्क पड़ता है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपकी कैलीग्राफी अच्छी होगी, ज़रूरी नहीं है, हो हमारे सकता दौर है। में राबी मैं था साइन पेंटर ना, साइन बोर्ड लिखता था जी जी राबी। सर मेरा पास्ट जो मेरी जर्नी है ना उसमें मैं साइन बोर्ड लिखता था, जी सर तो वो जो था ना हमारे जो कई पेंटर हजरात ऐसे थे वो बेचारे बिल्कुल अनपढ़ थे, जी सर बावजूद इसके कि वो बिल्कुल इलिटरेट थे, आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, जी सर कि उनको बिल्कुल नहीं पता था तालीम का, उनको जो आपने लिख के देना उन्होंने वो ही लिखना सेम था, लिखना है सेम लिखना। जी सर। और ये बड़ी मुझे इसकी ना उस वक्त भी हैरानी होती थी कि यार ये कैसे कर लेते हैं इतना कि प्यारा प्यारा और वो ही लिख लेते हैं, लाइक आपने कहा है कि दाखला जारी है बराए जमात हशतम दहम दहम, इस तरह के जो यानी थोड़े सी डिफिकल्ट डिफिकल्ट। वर्ड्स है ना उनके जी सर लिए ये है, लेख तो चाहते थे। हाँ अच्छा किरण खान, मैं सर का, अगर आप सर से पूछ रही है, सर का रेकमेंड किया हुआ आर्ट सप्लायर जो है उनका कांटेक्ट नंबर भी दोनों चैनल्स के, यानी मेरे चैनल के भी और सर के चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एंड सर का जो पर्सनल नंबर है वो भी दोनों चैनल्स के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अच्छा जी जी हाँ बिनते सईद, आपको मैंने बताया कि कैलीग्राफी इंक में पानी और धागा दोनों इस्तेमाल करते हैं, दोनों के डिफरेंट काम हैं, पानी इंक को रवां करने के लिए है और धागा इसलिए है कि बहुत ज़्यादा इंक आपकी कलम में ना आए एक साथ।
राफी प्रैक्टिस के लिए दो चीजें याद रखनी चाहिए, आपकी इंक जो है वो थिन होनी चाहिए, बिल्कुल पतली होनी चाहिए, और पतली करने के लिए आपने डीप गर्म पानी डालना है, अपनी जी सर। ठंडे पानी से नहीं करना। अच्छा हसन आलम, मेरे पास इसका एक आइडिया है जो मैं यूज़ करती हूँ, मैंने खुद भी फील किया है कि जब हम ब्लैक कलर लगाते हैं तो वो एकदम डल हो जाता है, तो मैं मोस्टली ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं उनके ऊपर यानी ब्लैक कलर अप्लाई करने के बाद दोबारा से एक्रेलिक अप्लाई कर देती हूँ, क्या मतलब डल हो जाता है? या सर अरे वो तुम एक लोगों को आर्ट का पता ही नहीं है, जी सर ब्लैक कलर सर बेसिकली होता ही डल है, बिल्कुल, लेकिन यही सर वो ब्लैक एक होता है। एक 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 शाइन उस पे ना रिक्वायर्ड होती है सर, जब अगर हम उस पे स्पेशली गोल्ड से काम नहीं ना करें तो वो अच्छा नहीं, आजकल नहीं अच्छा लगता। नहीं, ऐसा नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन योर कैनवस प्रिपरेशन कि आपका टू ब्लैक कलर कैसा है। देख ले, मैंने इस पे कुछ अप्लाई नहीं किया, सिंगल कोट है, आप चेक कर जी सर। शाइनी है, लेकिन ये भी सर होता है, आपको डिपेंड्स एक ऑन योर बात बताऊं, स्किन। मैं इस पे भी एक्रेलिक अप्लाई कर दूं, लाइक अगर आप मुझसे नहीं, पूछे ना मैं कभी नहीं ना चाहूंगा, मुझे एक क्योंकि ग्लास फिनिश चाहिए होती है सर। आर्टिस्ट जो होता है उसको वैसे ही शाइनिंग से जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और जब भी आप खास तौर से जब भी कोई फेमस आर्टिस्ट का काम देखेंगे उनकी पेंटिंग मैट होगी जी, या मैट लैकर की होगी उन्होंने। गुड सर, बहुत ही अजीब हो जाती है पेंटिंग मेरे तो, लीफ की। हाँ जी सर, मुझे नहीं अच्छी लगती। अच्छा चले आप मुझे आर्टिस्ट ना कहें, कोई इशू नहीं आप है पाकिस्तान के जितने भी माशाल्लाह जो जी। भी आर्टिस्ट है जी ना, अब्दुल राफी, ये शेर मुझे भी अच्छे से नहीं आता, लेकिन शायद ये कुछ ऐसे है कि सर ये जो वो शेर है, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती चलती हैं है तुझे तुझे ऊंचा ऊंचा उड़ाने उड़ाने के के लिए, लिए। यानी कि जो मुखालिफ सिंस से आने वाली हवाएं हैं इनसे ना घबरा है काब, ये तो इसलिए चलती हैं कि तू और ऊंचा उड़े। मैंने इस शेर में ना कुछ जो ताजगी और पुख्तगी देखी ना जी वो सर, ये थी कि अगर आप इस तरफ से हल्का सा हवा, वो शॉपर जो है हल्का सा इस तरफ से अगर हल्का सा आ गया जी और सर, हवा उसके अपोजिट है, या आप देखते हैं वो एक क्या बोलते हैं उसे, हवा का जी सर, भगोला, जी सर, जब भगोला आता है तो वो क्या होता है, वो एक यानी उसका साइंटिफिक अगर उसको देखा जाए ना तो हवा जो है ना वो एकदम उस एरिया में ऑक्सीजन जो है ना वो महदूद हो जाती है, जी सर, बिल्कुल महदूद हो जाती है उसी जगह पे ना, जी सर, तो हवा फिर उस एरिया से एग्जॉस्ट नहीं हो पाती, तो फिर वो राउंड में बॉलनेक होना शुरू हो ऊपर चले जाती है जाती है, हवा में, बिल्कुल एयर में ना, बिल्कुल तो इसलिए ये होता है। और आप इसमें बहुत सी निशानियां हैं जी, इंसानों के लिए अल्लाह ताला समझने का वालों के इल्म लिए, के बेशक जो है ना। वजह से अल्लाह ताला कभी बेशी माफ करे, कुरान की भी एक आयत है ना कि गौर करने वालों के लिए हमने इसमें बहुत सी निशानियां हाँ रखी। जी, और तलहा मलिक, नो कमेंट्स। सवा नदीम पूछ रही हैं कि ब्लैक बैकग्राउंड पे रेड कलर की कैलीग्राफी कैसे विजिबल होगी? मैं रेड कलर से कैलीग्राफी करती हूँ तो वो ट्रांसपेरेंसी शो करने लग जाती है एंड डल हो जाती है। सवा नदीम, कोई भी ट्रांसपेरेंट कलर है लाइक ऑरेंज है या फिर कुछ ऐसे डल कलर जो हैं जिनसे अगर आप चाहते हैं कि वो विजिबल हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें आपको डबल कोट करना ही पड़ेगा, लेकिन पहला कोट जो है उसमें अगर आप वाइट कलर ऐड कर लें, यानी ऑरेंज जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें पहले कोट में ऑरेंज डाल के अप्लाई कर दें, इसके अलावा ग्रीन का कोई शेड आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रीन में पहले वाइट डाल के अप्लाई कर दें, इसके अलावा अच्छा आप आपने ये फिर से कहा देखें। राधी दो कमेंट्स क्यों का? जी सर मैं बताती हूँ, ये देखें आपके सर ने जो ऊपर ग्रीन का शेड बनाया है उसमें सर ने वाइट कलर ऐड किया है, इसके ऊपर अब सर ग्रीन का कोई डार्क शेड लगाएंगे तो वो बहुत विजिबल आएगा क्योंकि इसमें वाइट ऐड है। इसी तरह इस ऑरेंज के ऊपर जो सर जिस ऑरेंज में सर ने अभी मिड येलो एंड वाइट ऐड किया हुआ है, इसमें भी सर ने जब इसके ऊपर लगाएंगे सर दोबारा अपना कोई कलर, इनफैक्ट रेड लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा विजिबल होगा। वाइट ऐड करने से, फर्स्ट कोट में वाइट ऐड करने से हमारा दूसरा सेकेंड कोट बहुत विजिबल हो जाता है, और आई डोंट थिंक कि उसमें फिर थर्ड कोट की गुंजाइश रह जाती है। अच्छा सर, उन्होंने पेंटास्टिक वैली की कैलीग्राफी के मुताल्लिक पूछा कि आप उसको नहीं कैसा समझते, तो नहीं मैंने नहीं मैम आई नो कि नहीं आप नहीं उस पर मैं उनकी एक बात बताता हूँ आपको, वो बच्चा मेहनत कर रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो यासिर जो है ना कोशिश कर रहा है ना, वो ही वॉज ब्रिलियंट कैलीग्राफर इन हिज पास्ट,
लेकिन अब वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से ना वो खुद को ग्रोथ कर रहे हैं, कैलीग्राफी भी अच्छी हो रही है और उनका काम भी बड़ी ज्यादा माशाल्लाह ना बेहतरी आ रही है। जी सर, और यकीनन ये मैं वो मेरे बेटों की तरह है, मेरे बच्चों की तरह है, और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मैं उनको बिल्कुल भी अपना जो है वो नहीं समझता या उनके काम पे नहीं करता। वो बिल्कुल बहुत अच्छे लगते हैं वो मुझे, खास तौर से आज के उसमें ना कि वो कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छा जो उनका है ना जी सर, सर अब्दुल रफी कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं इस्लामाबाद में वेन्यू मिल जाए इंशाल्लाह जल्द। अब्दुल रफी, आप तो मुझे बहुत अरसे से कह रहे हैं, जी आपने मुझे ना बहुत अरसे से इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है सर, कि सर मैं ते बस कर रही हूँ, पता है क्या, अब कर जी लो इससे पहले कि दिसंबर आए और वो स्नो फॉलिंग आ जाए, तो मेरे जैसा भाई मैं अपने घर से नहीं निकलता। बहुत ठंड हो मैं जाती है आपको एक इस्लामाबाद बात में। बताता हूँ भाई जान, मैं तो यानी लंग्स का पेशेंट हूँ ना, तो फिर मैं तो बस वो आजकल तो अभी मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ और गर्मियों में मुझे बहुत ज्यादा लंग्स का मसला हो जाता है, तो आप कर ले जल्दी से ना, वो इसलिए नहीं मैं कह रहा अल्लाह माफ करे, लेकिन मैं जाती तौर पे चाहता हूँ कि जरा आउटिंग हो जाए, जी आउटिंग किसी रीजन के साथ हो ना, वो मजा करती है रावी, तो जी सर, आप बगैर किसी बात के जब घूमने चले जाते हैं तो वो फिर, तो जी मैं तो कह रहा हूँ भले आप ना उसको वो भी कर ले रावी जी सर, है ना, पेड कोई वर्कशॉप कर ले अब्दुल्ला के। जी सर। सर शाजमान कह रहे हैं कि एक्रेलिक डिफिकल्ट मीडियम नहीं है एज कंपेयर टू बी ऑयल। बहुत बहुत, लेकिन जो स्टूडेंट शुरू एक्रेलिक से करते हैं ना वो बड़े शानदार हो जाते हैं भाई, ये तो पक्की अगर बात आपका स्टार्ट जो है आपने अपनी बिगनिंग जो है वो एक्रेलिक पेंट्स के साथ की है तो फिर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है, यू गाइस गेट अनबीटेबल। ऑयल मीडियम ऐसा है जो क्विकली ड्राई नहीं होता तो उस पे हमें ग्रिप बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हम ऑयल से एक्रेलिक में जाते हैं वो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन अगर हम एक्रेलिक पे अपनी ग्रिप बना लेते हैं तो ऑयल को यूज़ करना हमारे लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। सर मेरे कलर मर्ज नहीं होते मुगल जी। उसकी वजह प्रिपरेशन है, आपकी बहुत सी समस्याओं का जो समाधान है वो सिर्फ आपकी प्रिपरेशन है, मैं यानी क्या आपको सोल्यूशन? सलूशन, और ये जो हिंदी बोलना है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने गो के मुझे नहीं आई बोलनी, लेकिन मैंने बचपन में हिंदी कमेंट्री बहुत सुनी है और मेरी फेवरेट कमेंट्री है उनका, तो जनाब जी सर, क्या शून्य स्टाइल शून्य है। शून्य और इस वक्त को जो रंग गति है, दो दो दशमलव शून्य शून्य शून्य, क्या बात है, अच्छा, बेस्ट ऑफ उनके लक अब्दुल रफी, आपकी जो भी बात हो आप सर को इन्फॉर्म कर दीजिए 4 टाइम, कम से कम आपको 20-25 डेज पहले सर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि यू नो अदर सिटी में आना है तो वो थोड़ा सा इंसान को अपना सारा करना पड़ता है, हर एक की अपनी मसरूफियत को परे रखना पड़ता है। अच्छा जी सर मैं मालूम करके आपसे रब्ता करती हूँ। जी जी ठीक है किरण सर, ये पेंटिंग आज ही कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ मैं, गुल नहीं, आज मुझे नहीं लगता मैं इस पे कुछ और भी करूँगा, अगर तो मैं इस पे यानी ना ये कंप्लीट ना, क्योंकि मैं इसमें ना राबी जो मैं करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ एक चीज़ तो कम से कम स्टूडेंट्स को पूरी समझ तो आए, इसकी पूरी एक जर्नी उनके पास मौजूद हो, इससे वो पूरी एक हिस्ट्री बना सकते हैं, 50 पेंटिंग इसी तरह से डिफरेंट कंपोजिशन से बना सकते जी। हैं। मोहम्मद उमैर, कलर जो हैं मैरिज कलर वो वैसे ही काफ़ी ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, तो मैं बता भी जो ना, गोल्डन कलर है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, तो गोल्डन के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे शेड्स हैं जो बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप अपने कलर को उसके कोटिंग रिपीट कर सकते हैं, वो अच्छी हो जाएगी। तो अलीबा आवाज़ ना है बेटा। अच्छा जी हाँ जी, बिनते सईद जैसा कि हमने बाकी सब स्टूडेंट्स को कहा, आप भी देखें, हम लाहौर के रहने वाले हैं, आप से कोई अदर सिटी के स्टूडेंट्स अगर हमें कहें कि आप लाहौर में ऑर्गेनाइज करें तो दिस इज़ इजी फॉर अस।
हम करते भी हैं कि जब भी कोई वर्कशॉप होती है तो हम उसको अपने पब्लिक पेजेस पे, अपने सोशल मीडिया पेजेस पे अनाउंस करते हैं, ताकि जो भी अदर सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो हमें ज्वाइन कर पाएँ। इनफैक्ट जो नियर बाय सिटीज़ के होते हैं वो हमें ज्वाइन करते भी हैं। तो आप, अब आप हैदराबाद से हैं, अब्दुल राफ़े इस्लामाबाद से हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट कराची इस्लामाबाद से कहते हैं कि हम फिज़िकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये आपको अरेंज करना पड़ेगा। हम लाहौर में हैं ना, तो हमारे लिए लाहौर में हर चीज़ को मैनेज करना इजी है। हम अदर सिटी में आएंगे, हमें पता नहीं है वहाँ का और वेन्यूज का, इन सब चीज़ों का, तो वो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और इतना टाइम हम शायद अपने सिटी से बाहर रह भी नहीं पाएंगे, और हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। तो अगर आप सब इसको अरेंज करते हैं अपने ओन पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, व्हाटएवर, किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कुछ, किसी भी, या फिर एट द एंड अगर आप अपने ओन पे भी करते हैं, आप कुछ फ्रेंड्स मिलके या कुछ भी कुछ स्टूडेंट्स आप कोऑर्डिनेट करके करते हैं, तो उसमें हमें इस चीज़ का कोई ऐसा इशू नहीं है। आप सिर्फ, आपको सिर्फ एक प्लेस अरेंज करना है, दैट्स इट। अगर वो प्लेस आपका अपना भी है तो हम उस पे भी आ जाएंगे, बट ऐसा हो कि उस प्लेस पे बाकी सब स्टूडेंट्स भी आ सकें, ठीक है? हाँ जी, बिफोर ठंड, दिसंबर में बहुत ठंड हो जाएगी, और तब तो सर घर से भी नहीं निकलते। अभी भी आजकल मुझे अभी जब वजू करता हूँ तो सर्दी लगती है, फिर रास्ते में जाते हुए सर्दी लगती है ना मस्जिद में, तो ये मुझे ना इश्यूज है ना, तो इसलिए। जी सर, सर पेंटिंग के लिए खुद से आइडियाज कैसे क्रिएट करें? दिस मुझे आपको बता दें, अगर अभी ना समझ ना ना आए जी सर, तो फिर मुझे नहीं पता, फिर आप दे बता दें। जी सर, मैं देती हूँ। पहली तो गौर करें, ये है पेंटिंग ग्राफी। जी सर, आपको समझ आ गई है? बिल्कुल सर, मैं एक फ्रेम बना देती हूँ, ये है पेंटिंग। आपको समझ आ गई है? बिल्कुल सर। क्या है सर, मैं बताऊं? यानी अगर ये पेंटिंग ये है ना जी सर, तो इसका एक मखसूस हिस्सा पेंटिंग में जाना चाहिए, और वो हिस्सा ना लाइंस में हो ना खाली दायरों में हो। जी, यानी रैंडम हो, वो रैंडम हो और हिला के रखे, ये इससे अच्छी। यानी आप अपने शेप्स यूज करें, उसमें ज्योमेट्रिक शेप्स यूज करें, लेकिन मेन टाइटल आपका कुछ और हो, डिफरेंट हो, आप सर्कल से बाहर भी काम करें। आप अपने सर्कल भी यूज किए हैं और आउट ऑफ द सर्कल भी गया हूँ। अगर आप सिर्फ सर्कल में काम करते हो ना, तो आपकी आईज जो है से एक्सेप्ट कर रही होती है कि सिर्फ बस ये, यानी उसमें एक आम डायरी वाली पेंटिंग। जिस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ, 10 लोगों ने बड़े कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं, 50 लोगों ने, उसमें से एक ने इस कलर की शर्ट पहनी हुई है। अब जो इस कलर की शर्ट वाला होगा वो सबसे डिफरेंट होगा, सबसे डिफरेंट होगा। यही आपके पेंटिंग का उसूल है कि आप पेंटिंग बनाते हैं, आप कैलीग्राफी करते हैं, दूसरों की कंपोजिशंस पे मत जाएं, क्रिएशन आप खुद करें। आपको, आपके अल्लाह ने दिमाग दिया आपको, आप उससे खुद वो करें क्रिएशन। जी सर, हाँ जी जी, मैं आप सबके सवालात तक आ रही हूँ, मैं पीछे से देखती जा रही हूँ सवालात, और मैं आती हूँ आप सबके सवालों पे। अच्छा, अगर ये तैयार नहीं होती ना राबी, सॉरी, मैं वैसे कोशिश तो इसमें कर रहा हूँ, क्योंकि साथ साथ कुछ मुझे बातें भी करनी होती है ना जी, तो लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही है जी कि ये पेंटिंग जो है ना जी सर कंप्लीट हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये। जज़ाकअल्लाह मोहम्मद उमैर, जज़ाकअल्लाह सर। वो कह रहे हैं कि हमारे सर बहुत अच्छी बातें करते हैं। बेटा बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, इसके अलावा थैंक यू तैमूर, थैंक यू सर। तैमूर कह रहे हैं कि आपकी क्लासेस बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं। शुक्रिया, थैंक यू। अब हम देखना राबी जी सर, इस पेंटिंग को अगर हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर दें,
लेकिन अगर ये ब्रेकफास्ट नहीं भी होती ना, जी तो हम इसके लिए इंशाल्लाह फिर ना कुछ सोचेंगे। मेरा इंशाल्लाह। प्रोग्राम तो बन रहा था कि यूट्यूब पे ना अपने चैनल पे एक जी सर, आध लाइव सेशन कर लिया जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उसके लिए आपको ना थोड़ा कैंपेन लॉन्च करनी है, बल्कि स्टूडेंट से कहें कि वो कैंपेन लॉन्च कर दें ना इंशाल्लाह इसकी अपने अपने पेजेस से, इंस्टाग्राम अकाउंट से। जी सर, तो फिर मुझे बता दे कब का करना है लाइव सेशन, तो मैं बिल्कुल सर, उसमें फिर मैं कुछ नया करूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह पेंटिंग पे। बिल्कुल तो जब बिल्कुल, लेकिन कोशिश करें कि हॉलीडे हो, छुट्टी हो, जी सर, संडे। तो वो फिर स्टूडेंट जो है वो उसको लॉन्च कर दे, जी सर, लॉन्च से बुला दिए कि कैंपेन लॉन्च कर दे, जी तो फिर अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह देख लेंगे। जी बिल्कुल नाज़ रिजवान, ऐसा ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि हैंड राइटिंग सबकी अच्छी हो तभी उनकी कैलीग्राफी बहुत अच्छी होगी। सर जब ब्लैक कलर लगाते हैं तो ड्राई होने के बाद मैं महफूज पेंटिंग। जी तैयब, इंशाल्लाह मैं, मेरी पूरी कोशिश है कि विद इन फ्यू डेज़ मैं इस पे वीडियोज़ बनाऊँ, वट एवर शॉर्ट वीडियोज़ हों, लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जिनको मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो उनमें वैसे तो सर ने काफ़ी डिटेल वीडियोस अपने चैनल पे बनाई है, मैं इसीलिए उस कंटेंट को यूज़लेस समझती हूँ जो सर ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। मेरी कोशिश होती है कि मैं सर को कॉपी ना करूँ। कॉपी से मुराद ये है कि वो उसका रीज़न ये है कि अगर सर ने भी एक चीज़ शेयर की है, मैं भी उसी चीज़ को साइकिल कर रही हूँ, उसी चीज़ को दोबारा शेयर कर रही हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यू गाइस वॉन्ट न्यू थिंग्स। तो आप अगर सर का चैनल विज़िट करें तो आपको वहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है और बहुत डिटेल मिलती है उन चीज़ों के हवाले से। तो आप विज़िट करें, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल हुआ तो मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। अच्छा जी सर, फिर पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरे ना मिक्स हो रहे हैं कमेंट्स, या तो बार बार एक ही तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। सर माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको बहुत नवाजा, अल्लाह पाक इस हुनर से अल्लाह आपको मजीद तरक्कियां दे, आमीन। जजाक अल्लाह सबाताज, थैंक यू, थैंक यू बेटी, बहुत शुक्रिया। तजवीद लर्निंग रूल्स, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हाँ वहीद खान सर की, सर अपने बुक पे, प्रैक्टिस बुक पे वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। सदफ़ कह रही हैं कि सर की हिंदी बहुत ज़बरदस्त है, सर को मैंने सिखाई है हिंदी, मेरी भी हिंदी बहुत ज़बरदस्त है जी। नहीं फ़ायज़ा अभी तक तो सर नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह आप सब में से कभी भी कोई इनवाइट करेगा तो सर ज़रूर आएंगे, कराची, इस्लामाबाद, कहीं पे भी। वैसे चक्कर वैसे लगे हैं मेरे, लेकिन जी सर। जी हाँ, आपके सवाल की मुझे समझ नहीं आई, कंपोजिशन के टाइमिंग से क्या मुराद है, आप तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, फिर मैं समझ के आपको जवाब दूंगी या सर तक आपका मैसेज कन्वे कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफा, थैंक यू। सर वो कह रही हैं कि कलर स्कीम बहुत नाइस है। जी हाँ, सर ने ऑरेंज में मिड येलो एंड वाइट मिक्स करके लिखा है। हाँ सर, अब्दुर्राफी कह रहे हैं कि सर दिसंबर को छोड़ें, दिसंबर में इस्लामाबाद मारगला पहाड़ों में और मारगला हाइकिंग कोर्स में चलते हैं। वैसे मैं इस्लामाबाद होते के बावजूद मरी नहीं गया। वाह वाह, क्या बात है। सर ऑरेंज में वाइट मिक्स किया है। जी हाँ, सर ने ऑरेंज में मिड येलो एंड वाइट मिक्स किया है, सर उससे लिख रहे हैं। अच्छा अभी इसमें ना पता है क्या, मेरे पास ब्रश जो है ना इस वक्त सही नहीं था जी सर, तो इसकी वजह से हो सकता है कि दीवानी लिखने में ना कुछ चीज़ें रह गई हो, लाइक सही ना हुई हो जी सर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्रश हुआ ना, ये देखिए गोल है बिल्कुल जी सर, इंशाल्लाह मज़ा नहीं कर रहा जी इंशाल्लाह सर। जज़ाकअल्लाह मोहम्मद उमैर, हमारी बस यही कोशिश है कि क्योंकि इल्म भी हमारे लिए नफ़ा बख्श, इल्म भी इंसान के लिए सदका जारिया है, तो हमारी कोशिश है कि जितने सारे स्टूडेंट्स तक वो पहुंच सके, जितने सारे आर्ट लवर्स तक या ऐसे लोगों तक जो आर्ट को सीखना चाहते हैं उन तक ज़रूर पहुँचें इंशाल्लाह, और ऐसी चीज़ें पहुँचें जिनका उनको इल्म नहीं है।
कैनवस किसी ब्रांड के नहीं होते, लाइक जो आपको अफोर्डेबल होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के हैं। अगर बहुत महंगे आप कैनवसेस लेना चाहती हैं तो वो फिर बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं। सर आप जब भी, जी हाँ फ़ाइज़ल सर यही कह रहे हैं कि आप हमसे मिल सके। जी हाँ सर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको पहले अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, देन सर कहीं कभी को प्लान करेंगे। तो आप सब, हमारी यही कोशिश है कि हम किसी एक स्टूडेंट के पास ना आए, लाइक कोई एक स्टूडेंट उसको ऑर्गेनाइज करे और वहाँ पे हमारे सब स्टूडेंट्स को आने की परमिशन हो, ताकि हम एक मीटअप कर सकें ना बेसिकली, और साथ साथ उसमें हम कुछ कैलीग्राफी पेंटिंग रिलेटेड भी इंशाल्लाह काम करें, ताकि वो सब आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो तलहा मलिक सर कैनवस खुद प्रिपेयर करते हैं क्या कोई? जी हाँ सर, कैनवस खुद प्रिपेयर करते हैं। उमेर, अगर आप सर का चैनल देखें तो टॉप पे जो सर का वीडियो पिन है वो कैनवस प्रिपेयर करने से रिलेटेड ही है। नजर दें अपने की पाक हमें भी आपकी तरह लिखने वाला बनाए। आमीन, जज़ाकअल्लाह। क्या कि वो स्टूडेंट्स जो हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते किसी भी वजह से, फाइनेंस के इशू की वजह से या अदर किसी इशू की वजह से, हमारा ये नॉलेज पहुंच जाए और वो हमसे भी वही चीज़ें सीखें जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स भी सीख सकते हैं। और इनमें बहुत सारी ऐसी आज के सेशन पूछने के लिए उनको या बोर्डिंग करेंगे कि सर ज़रूर लाइव आए थे। कभी कभी बैट बॉल मिल जाए तो सर देख लेते हैं, लेकिन सर वो जब बैट उठाते हैं ना तो सर के शोल्डर्स में पेन होता है बिकॉज ही इज़ वेरी वीक। तो सर आज इस वर्ल्ड कप में सर इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, आफ्टर फर्स्ट मैच जब पाकिस्तान ने लॉस कर दिया था अपना मैच, तो उसके बाद सर ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था ड्यू टू दैट यू नो नो बॉल, वो आपको याद होगा एक नो बॉल हो गई थी हमारी। तो टेक्निकल इश्यूज जी सर, तो आज सर का इंटरेस्ट दोबारा डेवलप हुआ है क्योंकि प्रेडिक्शन भी की है। हाँ सर को लगता है कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान का है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पाकिस्तान, और आप देख लीजिएगा ऐसा ही होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बेबी एंड इंशाल्लाह आई एम श्योर जी इंडिया विल बी आउट ऑफ सेमी फाइनल इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिकॉज आपको जो है ना वो ठीक है, हमारा ब्रदर कंट्री वो है, हमारा नेबर कंट्री है, हाँ, लेकिन है तो ओपोनेंट ना, व्हाटएवर, वो ओपोनेंट की बात नहीं है, लेकिन उन कुछ ऐसा देयर इज समथिंग रॉन्ग। हाँ ओके सर, वेल क्रिकेट तो हमारे घर में हर कोई शौक से देखता है, सिर्फ एक वाहिद मेरी मदर हैं जो जिनको बहुत ज्यादा क्रेज नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया और पाकिस्तान के मैच में शी विल लाइक के क्या बना जीत गया आउट हो गया, ओहो कौन, उनको ये भी नहीं पता होता कि बैटिंग कौन कर रहा है या बॉलिंग टीम कौन सी है, कब बॉलिंग चल रही है, यानी पाकिस्तान कब बॉलिंग कर रहा है और कब बैटिंग कर रहा है। तो हम कभी रिएक्ट करते ना, ओ गॉड ये आउट हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे वैसे, तो शी लाइक के कौन आउट हो गया, कैसे आउट हो गया, कितने स्कोर हो गए, तो वो भी बहुत क्रेज़ दिखाती है। अदरवाइज़ हमारे घर में सभी क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं। और आज की जो गुड न्यूज़ थी कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को डिफीट कर दिया है, वो मेरी छोटी बहन ने हमारे साथ शेयर की थी, और हम सोए हुए थे और उन्होंने उठ के जो है ना वो सबको आके उनके कमरों में बताया कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला गया है। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान, नहीं बांग्लादेश के साथ नहीं हुआ, आज हमारा मैच बांग्लादेश के साथ हुआ ना, जी हाँ आज का मैच बांग्लादेश के साथ हुआ है, तो वो चल रहा है, दुआ करो वो पाकिस्तान ने विन कर लिया तो हम सेमीफाइनल्स में आ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर भी देखते हैं और हम शौक से क्रिकेट देखते हैं की तरह चलेगा। तैमूर रहीम सर की सब स्टूडेंट्स के साथ दुआएं होती हैं, क्योंकि मुझे पता है हम मैं सर के साथ मोस्टली आउट ऑफ द फ्रेम आउट ऑफ द टॉपिक भी हम इस बात पे कर रहे होते हैं, यानी जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, इन चीज़ों के टॉपिक से हट के हम बात कर रहे होते हैं कि सर हम डिस्कस करते हैं हमारे कौन से स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है उनका और उनके आर्टवर्क्स कैसे आ रहे हैं। तो फिर सर अक्सर अपने स्टूडेंट्स के लिए, अक्सर व बेशतर अपने स्टूडेंट्स के लिए दुआ करते हैं कि सबको अल्लाह ताला आसानियाँ दे और सबको अल्लाह ताला ज़ोर कलम अता करे। सर आप सब के वेल विशर हैं और इंशाल्लाह जिस भी स्टूडेंट के लिए मैं समझती हूँ कि उसके टीचर दुआ करते हैं वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है। और आप सब ये मेरी एक टिप है, मुझे पता है कि
अच्छा ये मेरी कंप्लेन भी है आप सबसे, और उसके बाद मैं टिप दूंगी। मुझे पता है कि आप सबको मेरा बहुत ज़्यादा, और सर को इंटरप्ट करना और मेरा बहुत ज़्यादा बिला वजह बोलना अच्छा नहीं लगता। एनीवेज मुझे आदत है, तो मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ और मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये मेरा प्लेटफॉर्म है तो मुझे इसी पे जो है ना वो फ्रीडम है कि मैं शेयर करूँ। कोई सुन रहा है सुने, नहीं सुन रहा ना सुने, लेकिन मेरी ये टिप है कि जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में कामयाब हों, वो कभी भी अपने टीचर का और अपने पेरेंट्स का, टीचर का मैंने नाम पहले लिया है क्योंकि मैंने स्टूडेंट बोला है, कोशिश करें कि अपने टीचर का दिल कभी भी ना दुखाएं। आप यकीन करें, मैंने सर तो मेरे फादर भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, इनके साथ इनकी तो दुआएं हैं ही हैं मेरे साथ। इसके अलावा जो मैंने अपने स्कूल में अपनी टीचर्स के साथ, लाइक मेरा एक मुअद्दबाना पूरा अंदाज था, बिहेवियर था, इतनी दुआएं मुझे मिलती थी किसी चीज़ पे नहीं, सिर्फ रिस्पेक्ट करने पे, इतनी तारीफ जिसकी कोई इंतहा नहीं है, कि अदर क्लासेस की टीचर आगे भी कहती थी कि हम गुजर रहे होते हैं ना तो ये लड़की पीछे होके खड़ी हो जाती है। तो ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, सिर्फ एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं ना कि बहुत कम मेहनत में बहुत कामयाब हों, तो अपने उस्ताद का बहुत अदब करें। तो मेरी जो स्कूल टीचर थी वो मेरी कैलीग्राफी की टीचर तो नहीं थी, लेकिन टीचर तो थी ना मेरी, उस्तादसा तो वो थी ना, उस्ताद तो वो मेरे थे ना, तो मैंने उनका बहुत अदब किया है। और सर के साथ जो आपको लगता है कि ये मेरा अंदाज है, ये मैं हम कैमरा से हटके भी इसी तरह होते हैं, हमारा सारा दिन का यही होता है लाइक। और ये जो टोकने की मुझे आदत है, ये हमारे घर में भी ऐसे ही है मेरी है, सर नहीं बुरा मनाते इसको, सर ने कभी मुझे नहीं टोका कि तुम मुझे मत टोको, अब के टोका है अब के मत टोकियो। मुझे एक लतीफा याद आ गया ना, दो बच्चे ना पेपर दे रहे थे रबी जी जी सर, तो अब दोस्त थे दोनों जी सर, तो एकदम ना एक दूसरे से पूछता है वही जापान के दारुल हुकूमत का क्या नाम है जी सर, साथ ही वो जो था ना वो आ गया निगरान आ गया जी सर, तो वो जिसने जवाब देना था वो कहता है देखो मेरी बात सुनो, आप तो मुझे टोका है आइंदा मत टोकियो। हाँ सर, मैं इसको तब से बोल रहा हूँ कि तू अब तो तूने मुझे टोक लिया है, इब के मत टोकियो। तो वही बात है कि सर ने मुझे कभी नहीं बोला ना, कभी भी नहीं बोला। तो और ऐसा नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि हम कोई रोबोट हैं कि एक ही टॉपिक पे बात करेंगे, आपने कोई बात, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें हम रेसिपी भी शेयर कर देते हैं कभी कभी, इतना भी हमारा, क्योंकि लेडीज होती हैं बहुत सारी, वो पूछती हैं क्या कर रही हो, मैं बताती हूँ खाना खा रही हूँ, क्या खा रही हो, तो फिर वो बातें यहाँ तक भी चली जाती हैं। सर अपना काम कर रहे होते हैं, साथ साथ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, हर टाइम इंसान एक ही मूड में नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि सर बात कर रहे हैं और मैं रोक के नहीं, पहले मेरी रेसिपी सुन ले। अच्छा एक बात मेरी सुने जी सर, बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना हमारे जी जी सर यूएस से, बहुत से भी, अभी पिछले दिनों मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने यूएस से जी जी अपना काम जो उन्होंने क्या था जी सर वो कस्टमाइज था जी जी सर, वो अपने काम शेयर किए पिछले 2-3 हफ्तों में ना माशाल्लाह, तो वो बड़े लाजवाब काम अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूएस और यूके और मिडल ईस्ट से तो असर पता है क्या होता है जी सर, ज़हनी आसूदगी जो होती है ना जी सर, वो आर्टिस्ट जनरेट करती है सर। मतलब आसूदगी, आसूदगी के आप जब फाइनेंस में ठीक है ना तो आप बड़ा आर्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन एक चीज और भी होती है जी सर, कि वो जो हीरा होता है ना जी सर, कोयले की कान से ब्यूटीफुल, अल्लाह ताला सब बच्चियों को खास तौर से बेटियों को वैसा ही करे जैसे हमारी ओवरसीज स्टूडेंट हैं, उनके नसीबों में भी नसीब भी और उनकी लाइक जिंदगियां भी पुरसकून गुजरे और उनको इसी चीज की अल्लाह कभी आमीन 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 आमीन। तो बस ये है, इसमें कुछ चीजें ये होती है कि जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे होते ना, बिल्कुल इसी तरह हर एक अलग अलग लक पे वो कर रहा होता है। डेफिनेटली डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड सर, बट यू नो सर आई डोंट नो, बट आई फील सो मच, मुझे हर छोटी छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो जाती है। तो एनीवेज आई एम सॉरी, सदफ कह रही है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी क्लास इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग होती है,
डेफिनेटली सदफ, हम जिंदगी में आए हैं आईसीयू में नहीं। एक बात बताता हूँ आपको जी सर, मेरी एज है 57, पता है मैं बता क्यों रहा हूँ अभी, अभी यहाँ एक टॉपिक है ताकि सर आपको सारे आपको बहुत ज्यादा बुढ़ा ना समझे। नहीं, 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 मुझे तो 157 का भी चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पता क्या मेरे साथ होती है बेटियाँ जी सर, आप लोग तो सब लोग अपनी जर्नी अपनी बातें आप शेयर कर लेते हैं जी सर, मैं एक ऐसा उम्र रसीदा बुढ़ा हूँ जी सर जो आप में खुद को इन रखने के लिए जी सर, मैं कभी आपसे हंसी मजाक कर लेता हूँ जी सर, कभी मैं कोई शेर सुना देता हूँ, तो ये जो चीजें हैं ना, अब ऐसा माहौल बन चुका है पिछले 1.5-2 साल से मेरी स्टूडेंट से जी जी कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई सब अपने ही वो बेटियां बिल्कुल। और आप यकीन करें कि मैंने ये फील किया है कि सर खुद किसी के साथ मजाक नहीं करते, जोक नहीं करते। स्टूडेंट्स ऐसी लाइक जब हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी, हमारी दो बहुत ही प्यारी स्टूडेंट्स, तीन बेसिकली, क्योंकि वो बहुत स्टार्ट से उन्होंने हमें ज्वाइन किया था, फर्स्ट क्लास में थी वो हमारी गुड़िया दुआ और एक थी इरम जी सर, ये इरम शमसी बैच 2 से आई है और तब से वो हमारी लाइक वो हमारा उनके साथ हंसी मजाक, आपने अक्सर उनका नाम सुना होगा तो पुरानी वीडियोस में आपने गुड़िया का नाम, रिफत का नाम सुना होगा और निशाद जी का नाम सुना होगा। उसके बाद फिर यूएस से हमारी खदीजा, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरी, उसके अलावा रिस्पेक्टेबल सोनी साहिबा भी बरीन जी थी, उनसे काफी मजाक था हमारा, बहुत सारी माशाल्लाह बेटियां शाजिया भी जी, तो ये मुझे आई एम सॉरी कि मैं नाम ले रहा हूँ, मेरी बेटियां हैं वो। और तो सर ने जब बोलना क्लास में कि मुझे बहुत सारी से मुराद ये कि काफी सारी शाजिया नाम की स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन सर की 5-6 स्टूडेंट हैं जिनका नाम शाजिया है, तो आमीन आमीन। तो सर स्टार्ट पे बात करते थे चाय से रिलेटेड, तो सब ने बोलना, कोई किसी ने बोलना सर आप हमारे पास आ जाएं चाय पीने, किसी ने कहीं से, किसी ने कहीं से, एक कनाडा से थी उन्होंने टी ऑफर करनी, एक मॉडल टाउन से थी वो कभी कावा भेज देती थी, कभी चाय, कभी कुछ लाइक वो डिफरेंट। हमारा सर वलम यकुन में आपने ये के नुक्ते नहीं डाले, तो सर इस तरह का माहौल होता था लाइक हमारा बिल्कुल, क्योंकि घर में क्लास दे रहे होते हैं कभी वाला एक माहौल होता है, तो उसमें जारी बात है फैमिली वाले माहौल में तो कितना आर्ट पे बात करेंगे ना। मोस्टली ऐसा होता है कि हमारा पूरा पूरा सेशन खामोश होता है, जब स्टूडेंट्स बेसिक सीख लेते हैं ना तो एडवांस में वो सिर्फ काम होता हुआ देखते हैं, फिर स्टूडेंट भी खामोश होते हैं, मैं भी खामोश होती हूँ, लेकिन जब आप गुफ्तगू करने लगते हैं ना तो फिर वो बात निकलती है, तो वो फिर यू नो हर टॉपिक पर डिस्कस होती होती चली जाती है। तो वेल मैं वर्क कर रही हूँ इस चीज़ पे इंशाल्लाह कि मैं आपकी क्लासेस में अपना यू नो बिल्कुल आप सबका टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। राबी हमें भी मज़ा आता है आपकी कन्वर्सेशन में, थैंक यू सदफ, थैंक यू तजवीद लर्निंग, थैंक यू। और अच्छा आप टाइम देख ले जी सर, टाइम तो नहीं अरीबा बेटा, क्या टाइम हुआ है ज़रा बताइए, स्टूडेंट बोर ना हो रहे हो ना। जी सर जी सर मैं साथ साथ सवाल पे जा रही हूँ। अब्दुल राफे कोई इशू नहीं है, जब आप अवेलेबिलिटी का बताएंगे सर इंशाल्लाह आपको बता देंगे, यस नो इंशाल्लाह। हाँ अब्दुल राफे आप कर ले बेटा, जी जी आप कर ले जब कहेंगे। अरीबा बेटा टाइम बताइए वैसे 21:44 नहीं नहीं 21 नहीं, हाँ जी 21 9:44 अच्छा जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, टेक योर टाइम। अच्छा फन एंड मोर कह रही हैं कि मेरी कैलीग्राफी का कलर ही नहीं उतरता, वार्निश लगाए बगैर ये सही नहीं होगा क्या। अच्छा फन एंड मोर आप ना वीडियो की सूरत में या तस्वीर की सूरत में अगर शेयर कर सके ना अपनी पेंटिंग तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, देख के उसे फिर उसका सोल्यूशन बताना, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा आप कौन सी कैलीग्राफी के कलर की बात कर रही हैं। बिल्कुल मन्हा, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल, मैं भी आप ही की तरह हूँ। जज़ाकअल्लाह मुगल जी, थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाइस्ता इमाम, वालेकुम अस्सलाम। ये शाइस्ता इमाम बच्ची भी हमारी बड़ी पुरानी भी हो रहा है ना यूट्यूब पे
ये बच्ची बड़ा थैंक यू बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शायस्ता। बस सर का जो मैं बड़े इनके कमेंट देखता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, अगर मैं आपको कमेंट अपने जो है ना अपने चैनल पे रिप्लाई नहीं करता ना तो प्लीज आप कमेंट करना ना छोड़िएगा, क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज होते हैं तो मेरे पास वही टाइम में आपके लिए या अपने लिए कुछ करूँगा, आर्ट करूँगा ना, तो वो ज्यादा अच्छा है। वक़्त के साथ एक जो है ना वो दौड़ लगी हुई है, रेस हो रही है। बिल्कुल। तो लेकिन ये हम मेक श्योर करते हैं कि जो आपके ऐसे कमेंट्स हैं ना जिनमें आपने नोट किया होगा कि जिनमें सवालात होते हैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश होती है। हाय सोनी जी को क्या हो गया, क्या सोनी जी की आंखों में आंसू क्या हुआ सोनी जी? सोनी जी को तो मैंने उनकी जो है ना तारीफ भी की है अभी। हाँ उन्होंने मिस कर दिया होगा सेशन। नहीं वो एक्चुअली तारीफ की नहीं, वो तो ये भी सोनी था। और मैंने आपको बताया जो हमारी यूएस से जो मैंने अभी नाम लिए ना जी सर, ये एक तो बच्चियों ने, एक बच्ची है उन्होंने सूरह यासीन वाली पेंटिंग शुरू की हुई है यूएस में ना, माशाल्लाह अल्लाह अकबर, वो साथ जखरफा कर रही है ना वो जी सर, और हम मुझसे सीखी है उन्होंने, मुझसे जी मुझसे सीखी है सर। ओ पाइन थानू इनाम मिलना चाहिए मेरे वालों। तो ये है कि सर आप देते ही नहीं नाम, उनका आपने काम दिखाया है मुझे बहुत खुशी हुई है। और उसके अलावा एक और हमारी स्टूडेंट है बच्ची शादिया, उन्होंने कस्टमाइज पेंटिंग जो है ना किसी के घर में डिस्प्ले की है, पता नहीं उसका साइज ब्लू भी था उसमें जी। उस बच्ची ने भी कमाल ही किया हुआ है जी। सुभान अल्लाह, ये काफी मेरा ख्याल है एक माह पहले की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी बड़ी अल्लाह की बरगजीदा बनती हुई है ये सारी बच्चियां ना जी। सर शाइस्ता इमाम पहले तो आपको सलाम कह रही हैं। वालेकुम सलाम शाइस्ता, थैंक यू बेटा। अच्छा शाइस्ता मैं आपको ये बता दूं कि सर का जो मॉडर्न कैलीग्राफी का कोर्स है वो अभी अभी अपने एडवांस्ड बैच में दाखिल हुआ है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि एक कोर्स स्टार्ट होता है वो बेसिक टू एडवांस अपना क्लियर कर ले, देन हम नया कोर्स लाएं। जैसे अब हमारा कुफिक का कोर्स ख़त्म हो रहा है एडवांस लेवल, तो उसको हम दो डिफरेंट फेजेस में ला रहे हैं। लाइक एक उसको हम ला रहे हैं एडवांस पेंटिंग, जिसमें सिर्फ कुफिक की स्क्रिप्ट होगी और पेंटिंग होगी, उसमें कैलीग्राफी जो कलम की कैलीग्राफी नहीं होगी, सिर्फ पेंटिंग होगी उसमें। और दूसरा हम कुफिक का कोर्स ऐसा भी होगा, दूसरा कोर्स ऐसा होगा जिसमें बेसिक एडवांस कैलीग्राफी एंड पेंटिंग दोनों होंगे, तो वो ज़रा डिफरेंट कोर्स है। तो मॉडर्न हमारा इंशाल्लाह होपफुली दिसंबर में स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। सर मन्हा कह रही हैं कि हम बिल्कुल बोर नहीं हो रहे। मन्हा अगर अभी भी आपका कोई कमेंट रह गया है तो प्लीज़ मेरी बहन आप रिपीट करें, मैं देखती हूँ। तैमूर भी कह रहे हैं सर हम नहीं बोर हो रहे। उमैर भी कह रहे हैं नहीं हम नहीं बोर हो रहे। मैंने भेजी है आपको इंस्टाग्राम पर, रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। जी जी मैं आपको हल अच्छा, बता दूंगी फन एंड मोर। बेटा आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप पहले कर ले रिप्लाई ना। नहीं सर वो इंस्टाग्राम पे। हाँ पता है क्या, मुझसे जो है ना तवक्को नहीं रखनी कि अगर मैंने आपको वो नहीं ना रिप्लाई नहीं किया तो नाराज नहीं होना, क्योंकि भाई मेरी इश्यूज ऐसे हैं कि मैं नहीं वो रिप्लाई करना, टाइपिंग सबसे ज्यादा मेरा जो होता है ना वो इशू है जी। सर मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, स्टूडेंट्स अगर तो आप सर को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैसेज कर रहे हैं या टिकटॉक पे कमेंट कर रहे हैं वो अलग बात है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डील करना, उसको रिस्पॉन्स करना। ऐसा ज़रूर होता है कभी कभार कि कोई ऐसा सवाल होता है टेक्निकल जिसका मुझे भी नहीं पता होता, आई एम नॉट माई सेल्फ एज अ वेरी मच यू नो पहुंची हुई आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, कोई बस एक स्टार्ट है मेरा। तो कभी कभी को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पास्ट में रही होती हैं उनका मुझे नहीं पता होता, तो वो मैं सर से पूछती हूँ, आपके मैसेजेस कन्वे करती हूँ, सर से जवाब लेती हूँ, देन आपसे शेयर करती हूँ, या मोस्टली मैं मोबाइल सर को दे देती हूँ कि यहाँ आप ही रिस्पॉन्स करें। तो अगर व्हाट्सएप पर ऐसा है कि आपका कोई जवाब मिस हो गया है, कोई टेक्निकल सवाल आपने पूछा है सीन करके अगर उसका जवाब नहीं आया, तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब कुछ टाइम बाद दोबारा मैसेज कर लें। मोस्टली एक मैसेज के बाद जब दूसरा मैसेज वो देखना होता है एकदम दो तीन मैसेज आए ना तब सारे मैसेज नीचे चले नीचे जाते चले जाते हैं। मेरे दो व्हाट्सएप है
और जो ग्रुप्स है तकरीबन 25 ग्रुप्स है बिल्कुल इसके ना क्लासेस के तो और पुराने हैं ना अभी जो तो अभी जो नए चल रहे होते हैं ना वो है और पुराने स्टूडेंट भी साथ साथ ना अपने कमेंट्स और वो राय देते रहते हैं जी 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 बिल्कुल तो ये है कि आपको लाइक अगर आज रिप्लाई नहीं आया ना तो आप कल दोबारा ऐसा होता है कि सर ने एक मैसेज सीन किया मीनवाइल कोई कॉल आ गई सर ने कॉल पे की फ़ोन लॉक करके वही रख दिया अब दोबारा कुछ देर बाद जब फ़ोन को पकड़ा तो मीनवाइल और आ जाते हैं मैसेजेस तो वो आपका जो सीन किया हुआ मैसेज है वो नीचे चला जाता है तो वो चैट में भी शोर नहीं होता कि कोई अनसीन था या आपने उसको सीन करके इग्नोर कर दिया था तो वो भूल जाते हैं सर ना इनफैक्ट सर एक कॉल के बाद पिछली कॉल की बात भूल जाते हैं यानी अभी मुझसे बात की आगे किसी और से बात करेंगे तो मेरी बात भूल जाएंगे कि मैंने कितना ज़रूरी काम बोला था सर बहुत ज़रूरी ज़रूरी काम भी भूल जाते हैं ऐसा आप ना समझें कि सिर्फ कोई आपके काम या कोई छोटे मोटे काम भूलते हैं बहुत ज़रूरी ज़रूरी काम भी सर भूलते हैं तो ये सर का इशू है। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता अगर अभी भी आपका कोई सवाल रह गया है तो मेरी बहन रिपीट करें मैं देख लेती हूँ। उज़्मा बासित सर का कांटेक्ट नंबर मेंशन है इसी कांटेक्ट नंबर पे आप कॉल करके सर की लोकेशन का भी पता कर सकते हैं और सर से फिज़िकल क्लासेस का भी पता कर सकते हैं और ऑनलाइन भी यानी सेम ही नंबर है आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन क्लासेस से रिलेटेड चाहिए तो आप सर के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आलिया नाज कह रही है अस्सलाम वालेकुम सर हाउ आर यू उज़्मा बासित अस्सलाम वालेकुम ये मेरे पास कॉलेज आती रही है ये बच्ची जी मैंने सुना है सर ये नाम मुझे लग रहा है ऐसी हां बेटी बट मैंने जज नहीं किया अच्छा आई एम योर स्टूडेंट ऑफ सोल्स क्लास आलिया नाज कह रही हैं जी 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 आलिया कैसी हैं आलिया बहुत दुआएं आपके लिए सर वो आपको दुआ करने का बोल रही हैं अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब बच्चे करे और सबको अल्लाह ताला आसानियां अता फरमाए और सबको दीन दुनिया की नेमतें अता फरमाए और सबके तमाम मुश्किलात खत्म करे अल्लाह करीम सबको अपनी हिफ्ज़ो बनाए रखे और आप सबसे वाबस्ता हम सबसे वाबस्ता रिश्तों को अल्लाह ताला अपनी खास रहमत और हिफाजत पे रखे आमीन अच्छा मुगल पूछ रही हैं कि आप ही राबिया कैलीग्राफी की कितनी टाइप्स होती हैं नाम बता दें प्लीज़ कैलीग्राफी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं बहुत सारी तो उनमें से बेसिक के नाम मैं आपको बता देती हूँ बेसिक के भी बता देती हूँ और उनके भी बता देती हूँ जो सर को आती हैं जो सर को आती हैं उनमें सर आप अगर कुछ मैं गलत बोलूँ तो मुझे बता दीजिएगा सोल्स कोफिक दीवानी मॉडर्न कैलीग्राफी नस्तालीक नस्ख और इसके अलावा कुफिक का मैंने नाम लिया सुल्स का मैंने नाम लिया नस्ख और शिकस्ता और मगरबी ख़त मगरबी और ये मेरा ख्याल 9 या 10 फॉन्ट्स सर को आती हैं और फ्री स्टाइल में तो सर यू नो सर का कोई मैं नहीं समझती कि कोई लेवल अचीव कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह और इंग्लिश में भी सर को बहुत अच्छी कैलीग्राफी आती है सर अपने पास्ट में सिर्फ अरेबिक ही नहीं इंग्लिश कैलीग्राफी बहुत अच्छी करते रहे हैं उनके मुझे नाम नहीं आते सीधी सी बात है और मुझे जो कैलीग्राफी आती हैं इसके अलावा जो होती है शायद मुझे उनके नाम भी इतने ज़्यादा नहीं पता होंगे सुम्बली होती है विसाम होती है और इसके अलावा ख़त आर्ट होता है इसके अलावा बस मुझे तो बहुत कम नाम आते हैं और की बड़ी किस्में है कुफिक की तो अनगिनत किस्में है ना लाइक और फातरी है मॉडर्न कुफिक है एंटीक कुफिक है जी और कुफिक की तो बहुत सारी किस्में बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत सारी कैलीग्राफी टाइप्स हैं लेकिन अब मैं दोबारा आपको वो बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कैलीग्राफी पेंटिंग में ठीक है उनमें नंबर वन जिसपे जिसको मैं समझती हूँ बल्कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि नंबर वन मुश्किल है हम कुफिक को दें या सुल्स को दें मैं समझती हूँ पर्सनली तो दिलकशी और जज़्बियत और हुसन आप 100 पेंटिंग सुल्ज की रखें जितनी मर्जी मॉडर्न पेंटिंग रखें एक पेंटिंग आप कुफिक की रख दी उस सबको अपनी तरफ ले आएगी बिल्कुल
लगती है। क्या बात है? इसका मतलब है, यानी मैं आपको बता रही थी कि मेरे लिए अपने अंदाजे के मुताबिक मुश्किल है कि मैं कहूँ सोल्स नंबर वन है या कुफिक, लेकिन सर के अकॉर्डिंग कुफिक नंबर वन है, सोल्स नंबर टू है, कतः दीवानी नंबर थ्री है एंड मॉडर्न कैलीग्राफी नंबर फोर है। नस्तालीक क्योंकि मेरे ख्याल में स्पेसिफिक उर्दू का फॉन्ट है तो वो पेंटिंग्स में इतना ज़्यादा रेगुलरली यूज़ नहीं होता, तो मुझे भी नहीं आता, मुझे बिल्कुल नहीं आता। आप सब जो कहते हैं कि ख़तर नस्तालीक में कुछ लिख के दिखाएं, तो मैं आपको बता दूं मुझे अच्छी नस्तालीक नहीं आती क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। जिस बंदे की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है वो नस्तालीक क्या लिखेगा, तो मैं कोशिश भी नहीं करती अच्छी नस्तालीक लिखने की। बहुत मुश्किल है। मैं, मेरा सल्यूट है भाई उन लोगों को जिनकी नस्तालीक अच्छी है, इंक्लूडिंग माई फादर, मेरे बाबा भी नस्तालीक के उस्ताद हैं माशाल्लाह। एक्रेलिक के मिक्सिंग प्रोपोर्शन बता दें। अच्छा, एक्रेलिक का दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैं आपको कोई दिखा दूँ ऐसी पेंटिंग जिसमें लाइक पानी की प्रोपोर्शन का हमें ख्याल रखना होता है। बेसिकली ये होता है कि हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें ये देखना होता है कि कलर से हम क्या काम लेना चाह रहे हैं ना। लाइक जो ब्लैक कलर है, अब देखें इसको, इससे हमने बिल्कुल अच्छी कवरेज देनी है या हम चाहते हैं कि एट दी वंस ये कवर करे, तो हम उसमें बिल्कुल इतना सा पानी शामिल करेंगे 2-3% जिससे हमारा सिर्फ ब्रश वेट हो और कलर की जो एक थिकनेस है वो थोड़ी कम हो जाए ताकि निशान ना आए ब्रश के। बहुत ज़्यादा थिक कलर हो और उससे उसे हम ब्रश से अप्लाई करें तो ब्रश के निशानात आ जाते हैं। तो पानी, आप यकीन करें पानी का बहुत ज़्यादा कंसर्न है। इसको एक्रेलिक कलर्स को और वाटर कलर को डाइल्यूट करने के लिए पानी इस्तेमाल होता है और उसका बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपकी पेंटिंग्स में, आपकी कैलीग्राफीज में। हमें यह देखना होता है कि किस टाइप का बैकग्राउंड हमें चाहिए। मोस्टली हम अपनी एक ही बैकग्राउंड को लाइट एंड डार्क की इफेक्ट देने के लिए, टॉप पे लाइट कलर लगाने के लिए और नीचे डार्क कलर लगाने के लिए पानी का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी अदर कलर नहीं ऐड करते। एक ही कलर को डिफरेंट इफेक्ट्स देने के लिए लाइट एंड डार्क के पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप मुझे ये कहें ना कि मैं आपको एक रेशो बता दूँ, सपोज मैंने आपको एक रेशो बता दिया है वो सिर्फ कैलीग्राफी के लिए है, तो आप अब हमेशा हर काम में उस रेशो को रखेंगी, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ये आपको देखना है कि किस टाइप का आप काम चाह रहे हैं और उसमें आपको कितना, आप अगर सर के ब्रश में देखें तो आपको एक डॉट भी कैलीग्राफी के दौरान गिरता हुआ नज़र नहीं आएगा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सर का कलर कितना ज़्यादा थिक होगा। तो उसमें यानी 2-5% आपके ब्रश में बस पानी हो, उससे आप कलर को मिक्स करते जाएँ और कलर को यूज़ करते जाएं। हर स्ट्रोक में, हर एक दफ़ा दो दफ़ा के बाद आप, यानी एक दो लेटर लिखने के बाद दोबारा अपने ब्रश को पानी में डिप करें, उसके साथ कलर को थोड़ा सा मिक्स करें, डिल्यूट करें एंड लिखना शुरू करें। पानी का इस्तेमाल साथ साथ रखें। एट द एंड मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि सर कहाँ पे अपनी पैलेट रखते हैं और उसके साथ क्या हाल अहवाल होता है इंशाल्लाह। वो पैलेट तो नहीं दिख रही मेरे जैसी है अभी, बहुत कोई बात सर, आप भी तो आ गए हैं, पैलेट भी आ जाए तो सर माइंड ना कीजिए, मुझे पता आप माइंड नहीं करेंगे लेकिन आपके स्टूडेंट करेंगे, तो स्टूडेंट आप भी माइंड ना कीजिएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि सर की पैलेट का क्या हुलिया है। सर ने शावर हमेशा आपको बताया है कि सर के पास होता है, ये देखें अभी भी सर के पास ही है, ये पास ही रखते हैं सर, और इसका, इसकी मदद के बगैर, लाइक इसके बगैर सर काम नहीं करते। सर का बहुत गुस्सा होता है मुझ पे अगर सर का शावर कहीं आगे चला जाए। आप अगर काम कर रहे हैं ना जी, तो आपके पास शावर नहीं है तो आप चुप करके साइड पे बैठ जाएं। बिल्कुल, ये बहुत डिफिकल्ट, अगर पहली चीज है प्रिपरेशन, लाइक जिस वेदर कंडीशन में हम रहते हैं ना पाकिस्तान में, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी और हब्स की वो होती है ना कैफियत, वहाँ पे आपको शावर की बड़ी जरूरत है। बड़ी जरूरत है, बिल्कुल, क्योंकि सम टाइम आपको ग्राउंड को वेट करना होता है, बिल्कुल, और सम टाइम आपको कलर को जो है ना वो डाइल्यूट करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ एक केस है जिसमें आप नाइव्स के साथ, कार्ड्स के साथ, नाइव्स के साथ, स्क्रैपर्स के साथ कलर अप्लाई कर रहे हैं ना, देन आपको बस पानी नहीं चाहिए, देन आपको सिर्फ ट्यूब से कलर निकालना है और उसको अप्लाई कर देना है। अदरवाइज आपको ब्रश से जब भी काम करना है पानी साथ रखना है भाई।
और आज क्योंकि ये हमारा एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन क्लासेस से हट के है, तो ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि इस तरीके से आप अपने ब्रशेस रखा करें। ये मैं दिखाऊंगी भी क्योंकि मैं चाहती हूँ ये मैसेज ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जाए, ज़्यादा हम आर्ट लवर्स तक जाए जो भी काम करते हैं। सर और मैं ऐसे रखते हैं अपने ब्रशेस बिल्कुल, ये तो इस कंटेनर में पानी होते हैं, सर वरी ना करें। ये देखिए पानी का हालत आप देख लें, हमें टेंशन नहीं होती, हम साथ साथ काम करते जाते हैं, साथ साथ ब्रशेस इसमें रखते जाते हैं और एट द एंड जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो हम पानी को फेंक के इसमें साफ पानी डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रश को वॉश करने पर पानी ज़ाया नहीं करते, ठीक है। तो आप सब भी मेक श्योर किया करें कि एक एक ब्रश को यूज़ करके उसे धोने में पानी ना लगाया करें, बिल्कुल ऐसे रख दिया करें ने एक कंटेनर में, ठीक है। अच्छा, जल्दी से बातें बंद करें। और वो लाइक कुपी सफेद कलर वाली, वो क्या होता है, कुपी नहीं होती वो जो लाइन ड्रॉप करती है, जल्दी करो सर। कौन सी कुपी? वो जिसमें अच्छा जल्दी कुपी वो हमारे दौर में ना कीप 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 कुपी कुपी जी सर, वाइट है। हां पतला के सर, एक दफा हाथ पे लगा के देख लें, बस सही है सर। मेरा इंस्टाग्राम इसी अकाउंट के साथ अटैच्ड है, यूट्यूब चैनल के साथ। सर एक मिनट, मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, इसके एंगल को। ओके जी सर, ठीक है जी सर, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट भी कर देती हूँ। बस सर, राइट सर, ये स्टूडेंट्स एक्रेलिक कलर को सर ने, और आप इसको लेटा दो जी सर, ठीक है। बस सर हम स्टूडेंट से बात कर लें, इसको ऐसे ही रहने दे सर, नो इश्यूज, बह जाएगा ना सारा। अच्छा जी सर, अच्छा एक दफा अगर दिखा दो लेटा दे इसे, अब बेटा लेटा दे वो खराब कर। स्टूडेंट्स इस पेंटिंग का इमेज आफ्टर दिस सेशन इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगी। मैंने ना अपनी टांग पे वो अपने सदा वही जो मेरे स्टूडियो ड्रेस है, ताकि सर का जो नया ड्रेस है वो खराब ना हो। सर बड़े से आने कल हफ्ते में ना। अच्छा अच्छा जी सर, कैसे हो या गई एक्रेलिक के मिक्सिंग तो पोस्टर, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट, थैंक यू उमर, अस्सलाम वालेकुम राबी बेटी एंड सर, वालेकुम सर, इस फोन की वर्क बुक बनाए प्लीज जी। इंशाल्लाह गोल्ड फिंच तीनों चारों हमारे जो बेसिक फॉन्ट्स हैं इंशाल्लाह उनकी वर्क बुक आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फिज़ा मैंने अपने बाबा से सीखी, जो भी कैलीग्राफी सीखी, जो भी फॉन्ट सीखे, सब के सब अपने बाबा से सीखे। मुझे भर जागना पड़ेगा, मैं मुझे रात भर सर मैं पढ़ूंगी भी तो सर जवाब दूंगी ना। अब मैं एक दफा पढ़ूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं फिर मैं जवाब दूं, तो वो दो घंटे का लाइव सेशन चार घंटे फिर जाएगा। डेडी सर मैं आप बैठे, मैं अलग रूम में हूँ, सबसे सो रहे हैं और मैं सिर्फ क्लास के लिए जाग रही हूँ। वाह मुगल जी बहुत अच्छी बात है जी, लगी रहे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, आपने मुझे अदरक और कड़ी पत्ता शायद बोला था ना जी। सर वो पूछ रही है कलर क्यों डाला है और कैसे डाला है और क्या डाला है, ये दिखा बस इसको एक्सप्लेन कर। एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाते जब आप और बाद में आप ये वो नहीं होती ये आइसक्रीम बनाने के बाद हम डाल, आइसक्रीम वाले के पास वो जो वो चॉकलेट के लिए होते हैं जिसको हम कहते हैं और डालो भाई, और पाओ ये वो वाला है ना, तो इसमें मैंने लिक्विड वाइट डाला है। एंड दिस इज माय टेक्निक, एंड दिस इज अगर इनकी ना भी होती तो मेरी अपनी भी होती। ही अच्छा जी, इसमें सर ने एक्रेलिक वाइट बनाया हुआ है, उसमें हल्का सा मैंने पानी शामिल करके उसको डाइल्यूट किया हुआ है इतना कि जब उसको मैं अप्लाई करूँ तो वो फैले नहीं। अच्छा सर मैं भी बस आपके साथ चल रही हूँ। स्टूडेंट्स इस पेंटिंग की क्लियर इमेजेस मैं अपने और इंस्टाग्राम सर के अकाउंट पर शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह, अदर सोशल मीडिया पर शेयर कर दूंगी। आप सब अगर सर को मजीद लाइव देखना चाहें तो आप सर के साथ डिस्कस करके तो करके अपने अपने पेज से अपने वो कोई शेयर कर दे और मुझे बता दे कि आपने वो के कब का है, क्योंकि आप करेंगे अब तो मेरा थोड़ा सा 50,000 से ज्यादा मेरे फॉलोवर हैं इंस्टा पे,
हक मांगते हैं ना, थोड़ी मेरी कंपेन करें ना, बिल्कुल, तो फिर मैं भी कर दूंगा, आप शुरू करें, मैं शुरू कर दूंगा, बिल्कुल, और फिर हम बिग साइज पेंटिंग शुरू करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह 6x4 की कोई पेंटिंग शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तो उसको हम पूरा महीना तक लेके जाएंगे, लाइक मंथ में चारों हफ्ते में संडे वाले दिन हम वो लाइव सेशन करेंगे, एक बिग साइज पेंटिंग बनाएंगे, और डेट मैं आपके साथ कुछ दिन में शेयर कर दूंगी, सिर्फ मैं खुद करेंगे, ये आपकी पसंद है सर, सब अपनी मर्जी की करेंगे, इसलिए पहले हमें शेयर करनी पड़ेगी, बता दीजिएगा, फिर हम सब मिलके ना तो उस पे वो कर लेंगे, बिल्कुल, आप सब अपने डेट के आइडियाज सर के साथ शेयर कर दीजिएगा इंस्टा पे व्हाट्सएप पे, फिर एक डेट हम रखेंगे इंशाल्लाह, उसको हम दिसंबर में रखते हैं, और दिसंबर में फिर हम आपके साथ एक फाइनल डेट शेयर कर देंगे, कैंपेन आप सब की होगी, सर नहीं करेंगे उसकी कोई करूंगा कैंपेन, मैं भी करूंगा, फिर मैंने पहले दसना सी ना, चलें अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़।